Namaste. Cleanliness is next to godliness, said Mahatma Gandhi. Cleanliness needs to healthiness. Hygiene, sanitation and cleanliness are the need of the hour. Keeping ourselves, our homes, our neighborhood clean does not cost us anything. Passing on wealth to children is important, but making them live clean is more important. For healthy India, let us make clean India. Join and support Prime Minister Shri Narendra Modi's Swachcha Bharat mission. Jai Bharat, Swachcha Bharat. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत की जनता को संबोधन। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामना। शुक्रवार 3 अक्टूबर प्रातः 11 बजे से ये प्रसारण आकाशवाणी के सभी केंद्रों से सभी चैनलों पर किया जाएगा। सुनना न भूलें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। नमस्कार, शुभ प्रभात। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। आज की सुबह शुभ है क्योंकि आज भारत ने प्रण किया है कि वो बिल्कुल भी खुले में शौच की जो आदत है उसको नहीं चलने देगा, उसे खत्म करेगा, खुले को जो शौच करने की आदतें हैं उससे मुक्त करेगा, और साथ ही साथ जो महिलाओं की निजता और प्रतिष्ठा की बात है उसके लिए जागरूक रहेगा। आज भारत का एक बहुत बड़ा संकल्प हमारे सामने है, और हम जानते ही हैं आज का दिन इसलिए भी शुभ है क्योंकि भारत एक नया इतिहास लिखेगा, एक इतिहास स्वच्छ और स्वस्थ भारत का। तो आज आप सबको, आप जानते ही हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उसका शुभारम्भ करेंगे, और इस पूरे सफ़र में आपके साथ रहेगा दूरदर्शन। तो एक बार फिर से आपको पावन और पवित्र दिवस जो आज का है उसके लिए हार्दिक बधाई। नमस्कार, स्वागत आप सभी का दूरदर्शन की इस विशेष प्रस्तुति में। जैसा कि अनुराग ने भी कहा कि आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज उनका भी जन्मदिवस है, और कहा यह जाता है कि जो महान आत्माएं होती हैं, महान विभूतियां होती हैं, उनका जो जन्मदिवस है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप राष्ट्रपिता हैं, अगर महात्मा गांधी की हम बात करते हैं तो फिर इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आज का दिन इसलिए भी ज़्यादा शुभ है क्योंकि आज एक नए मिशन की शुरुआत होने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
स्वच्छ भारत मिशन की, जी हाँ, ये जो सपना गांधी जी का था, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हम सब भारतवासियों के लिए बहुत शुभकारी दिन है और आशा और उम्मीद हमारी यही है कि हम इस आंदोलन को, इस सपने को जरूर साकार करेंगे। जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने जो प्रण लिया था, जो प्रतिज्ञा ली थी, देश के लिए जो सपना देखा था, वो जरूर साकार होगा। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो मेहमानों को। हमारे साथ हैं दिल्ली IIT के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर VM चारियार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। साथ ही दोस्तों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र बजाज जी, आपका भी सर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो सर सबसे पहले हम सबसे पहले क्यों ना इसी बात को उठाएं कि जो गांधी जी का सपना था, जो तकरीबन 100 वर्ष पहले उन्होंने देखा था, 1919 की अगर हम बात करें तो इसका जिक्र आया है नवजीवन में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि स्वाधीनता से भी पहले जो स्वच्छता है वो ज़रूरी है। आज हम फिर इस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं, उनके सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रासंगिकता की अगर बात करें, क्या कहेंगे आप? आज हम महात्मा गांधी की 145वीं जयंती मना रहे हैं। जब महात्मा गांधी पैदा हुए थे 1869 में, तब से लेकर अब तक भारत बहुत बदल गया है। अनेक अनेक क्षेत्रों में हमने बहुत बहुत प्रगति की है, बड़े काम किए हैं। मतलब अभी जो हमने मंगलयान भेजा जी, ये कोई छोटा काम नहीं था। इस प्रकार के काम हम करने लगे हैं, पर एक काम अभी नहीं कर पाए हैं हम भारत को स्वच्छ नहीं बना पाए हैं। और अगर हम ये आज की जयंती से शुरू करके उनकी 150वीं जयंती आने वाली है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हमें ये आह्वान कर रहे हैं हमारा कि तब तक हम भारत को, अपने भारत को स्वच्छ भारत बना दें, तो हम स्वच्छ होते ही ना स्वस्थ होगा, विकसित भी होगा। बिल्कुल। और वो हम कर लें, आज से हम प्रारंभ करें, संकल्प लें, और 5 साल में ये काम कठिन नहीं है। सही बात है, कठिन नहीं है। जी चारियार साहब, आप तो काफ़ी समय से इस विषय पर कार्य कर रहे हैं, क्या लगता है कि अगर हम वाकई में स्वच्छ भारत मिशन को हमें सफल बनाना है और हर घर में शौचालय बनाने हैं, लोगों को इस मामले में जागरूक करना है कि गंदगी में अब जीवन बसर नहीं करना है, क्या तरीके रहेंगे और क्या कमी रह गई हमें? इसको बहुआयामी तरीके से मेरे ख्याल से देखने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स ने कई टेक्नोलॉजीज डेवलप किए, आज शायद DRDO के बायोटॉयलेट का भी जिक्र हो रहा है, ये भारतीय रेल ने इसको अडॉप्ट किया। बहुत सारे एजेंसीज हैं जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं जी। कि एक बस्ती को लें या एक गांव को लें, एक पंचायत को लें, वो पूर्णतः ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाए। एक दो भी प्रैक्टिशनर्स यदि होते हैं तो उसमें पैथोजेंस का प्रचार होता है और स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स अपने, इन्फेंट मोर्टैलिटी और इंडिकेटर्स डिप होते हैं। इसमें बहुत बड़े स्तर पर मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप की भी ज़रूरत है। कई सरकारी स्कीम्स में रूरल सैनिटरी मार्ट, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को उपलब्ध करने की कोशिश की थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये हो रहा है, डेवलपमेंट ये हो रहा है कि टॉयलेट और सैनिटेशन और क्लिनलीनेस एक कॉमन चर्चा का इश्यू बन रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में डायलॉग हो, और गांधी ने जो ये कनेक्टिविटीज़ बहुत गहराई से समझी थी कि जल और मल और स्वास्थ्य और समृद्धि, इनमें गहन कनेक्शंस हैं, और इसको उन्होंने उस वक्त देख लिया था जब आज़ादी, जब चारों तरफ एक तरह से एक युद्ध लड़ रहे थे, उसके बीच में भी उन्होंने सेवाग्राम में मनन करके उन्होंने निर्मल निर्जल शौचालय उस तरह उस समय में उन्होंने प्रयोग किया जी। तो उन्होंने दूरगामी सोच थी उनकी कि भारत की आबादी बढ़ेगी, शहर में लोग बसेंगे, बड़ी संख्या में बसेंगे, और मल और जल मिलेगा, फिर उसके बाद यदि उसको हम प्यूरिफाई कर पाएंगे, प्योर ट्रीट कर पाएंगे, तो आज हमारे सामने जो एक स्थिति नदियों की भी उपस्थित हो गई है कि नदियों में भयंकर प्रदूषण हो गया है। तो ये इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं। मात्र टॉयलेट्स बनने से शायद काम नहीं चलने वाला, तो नॉन पोल्यूटिंग टॉयलेट्स पर हमारा फोकस होना चाहिए, और ये डायलॉग शायद समाज में चलेगा। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि समाज में इस पर चर्चा शुरू हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज का अगर हम पूरे कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री जी अभी बस थोड़ी देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं, उसके बाद वो विजय चौक जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है जो अपना लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पे वो जाएंगे विजय घाट, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर अपना वाल्मीकि जो कॉलोनी है वहाँ पर एक शौचालय का उद्घाटन भी होगा, सफाई भी होगी, और फिर उसके बाद जो इंडिया गेट है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी आएंगे, वॉकथन भी होगा, और भी बहुत सी चर्चाएं जो हैं वो होंगी। तो अभी प्रधानमंत्री जी जो हैं आप देख ही रहे हैं अपने स्क्रीन पे, अब जल्दी से जल्दी जो है वो राजघाट की ओर पहुँच रहे हैं,
और वहाँ पर आपको सीधा जो है सीधा प्रसारण हमारी तरफ से दिखाया जाएगा। तो हम जो चर्चा कर रहे थे बजाज साहब आपसे, हम जानना चाहेंगे कि ये गांधी जी ने इतनी बड़ी एक शुरुआत करी, इतनी बड़ी सोच दी, कहाँ छूट गया ये सर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हमने जी। महात्मा गांधी तो बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारे दिशाएं दिखा रहे थे। हमें, मुझे लगता है कहीं गलती हुई कि लगने लगा कि स्वच्छता समृद्धि पर निर्भर करती है, स्वच्छता तकनीक पर निर्भर करती है। समृद्धि चाहिए, तकनीक भी चाहिए, पर ये निर्णायक नहीं होते। स्वच्छता मानसिकता होती है जी, स्वच्छता आपसी कंसर्न होता है, मतलब आप अपने घर की गंदगी पड़ोसी के घर के पास नहीं डालना चाहेंगे। मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो राजघाट की तरफ अपना पहुंच गए, और राजघाट में आप देखिए प्रधानमंत्री जी जो हैं अब आ गए हैं, और जल्दी ही वो महात्मा गांधी जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ये पूरे देश के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही अहम दिवस है। आज हम गांधी जी का जो एक प्रण था उसको पूरा करने की शपथ ले रहे हैं। तो आपको कैसा ये लग रहा है कि देखिए, एक तो ये स्वच्छता मिशन है, इस पे सब कुछ शुरू हो रहा है, तो आपको किस तरीके से इसको लगता है कि देश जो है वो कितना एकजुट हो पाएगा? ये हम देख रहे हैं, मोदी जी इस समय पहुंच गए हैं राजघाट पर, समाधि पर गांधी जी की, और उन्हें की शिक्षा दे और तेरी एकता की हमसे अनुभूति करा, जिससे कि हम तेरे अतिरिक्त अन्य कुछ न देखे। तू दयालु और अक्षय संपदा का दाता है, हे परमेश्वर, अपने प्रियजनों के हृदयों में अपने प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित कर, जिससे कि वे तेरे अतिरिक्त अन्य सभी विचारों को भस्मसात कर दे। हे परमेश्वर, हमारे सम्मुख अपनी परमोच अनंतता को प्रकट कर, कि तू सदैव रहा है और सदा रहेगा, और तेरे अतिरिक्त अन्य कोई परमेश्वर नहीं है। सत्य ही तुझ में सभी विश्रांति और शक्ति पाएंगे। Blessed is the spot and the house and the place and the city and the heart and the mountain and the refuge and the cave and the valley and the land and the sea and the island and the meadow where mention of God hath been made and his praise glorified. Baha'u'llah. Christian prayer. Pita, Putra aur Pavitra Atma ke naam par Amen. Prabhu Isa Masih ne kaha, main prithvi ka jyoti hoon, मृत्यु का नमक हूँ। जो मुझ में विश्वास करेगा वो आनंद जीवन प्राप्त करेगा। तो जैसा कि हम ये देख रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजघाट पर पहुंचे, और ये देखने वाली बात है कि आज गांधी जयंती है और आज ही के दिन से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हो रही है, तो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए फूलों द्वारा और उनसे आशीर्वाद लिया कि आज ये मिशन शुरू करने जा रहे हैं तो ये साकार हो उनकी 150वीं जयंती तक। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है अपने आप में। और राजघाट के बाद, जैसे कि अनुराग आपको कुछ देर पहले बता रहे थे, प्रधानमंत्री का विजय घाट पर जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, वाल्मीकि जो बस्ती है वहाँ पर पहुँचेंगे वो। लेकिन एक प्रश्न चारियार जी ने जो जिक्र किया अभी, कि सेवाग्राम की बात हो रही थी, जल और मल की बात हो रही थी, तो जितेंद्र जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि आदत की जब बात करते हैं, आपने मानसिकता का जिक्र भी किया, आदतों को हम कैसे बदल सकते हैं? आदतें भारत के लोगों की अच्छी हैं जी। हमने कुछ समस्या कर दी है, कुछ जो
पारस्परिकता होती है वो टूट गई है, हमें लगता है कि अपना घर हम साफ कर लें, बाकी की हमारी जिम्मेदारी नहीं रही, और उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, और जो आज प्रयत्न शुरू हो रहा है जी, वो वही कि हम एक जन आंदोलन के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, तो जन आंदोलन बनता है तो आदतें तो कुल मिला के खराब नहीं हुई है, केवल उनको उपयोग करने में कुछ जी गलती हो रही। चारियर साहब, ये जो बात हो रही है कि लोग अपने तक सीमित हो गए हैं, जो एक सामुदायिक एक दायित्व होता था, समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती थी, वो कहीं ना कहीं छूट गई। मैं फिर से गांधी जी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, जैसे जितेंद्र जी कह रहे थे, गांधी जी ने एकादश व्रत का बार बार जिक्र किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम। आज जो प्रोग्राम हो रहा है कि हम पूरे मोहल्ले को अपना मोहल्ला माने, पूरे देश को अपना देश माने, तो ये नहीं सोचें कि ये पड़ोसी का घर है तो उसके बाहर हम पॉलिथीन को फेंक दें, मेरा घर स्वच्छ रहे बाकी मोहल्ला कैसे रहे उसके ऊपर, उसके बारे में नहीं सोचूं। गांधी का विचार विशाल था, उसने पूरे देश को ही नहीं, उसने पूरे विश्व को के बारे में सोचा कि शांति होगी विश्व में। तो शरीर श्रम जो चरखा में निहित था कि हर आदमी काटेगा तो हर आदमी सफाई करेगा। आज जो मिशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इसमें यह है कि ये नहीं कि ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी या किसी एनजीओ की जिम्मेदारी होगी, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार बनेगा, हर एक व्यक्ति शरीर से श्रम करेगा, थोड़ी सफाई करेगा, अपने घर तक नहीं सोचेगा, पड़ोसी के बारे में सोचेगा, गली मोहल्ले के बारे में सोचेगा, तो मेरे ख्याल से एक कड़ी जुड़ेगी और हम लोग इस दिशा में खूब प्रगति करेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए, ये जो जिम्मेदारी है ना, ये हम सबकी है। कभी भी जो स्थापित संस्थाएं हैं वो तो क्रांति नहीं कर पाई, क्रांति तो लोग करते हैं, और ये आज एक सच कहें तो बहुत बड़े जन आंदोलन की शुरुआत है। आज गांधी जयंती है, हम बापू जी के जन्मदिवस में एक प्रण ले रहे हैं, तो चलिए बापू की आवाज में ही सुनते हैं वो क्या सोचते थे। मैं तो जानकार आदमी हूँ, हर जगह पे ये चीज मैंने कह दी है, कोई आदमी नई बात सुनाना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी शिविर चल रही है और वहाँ सफाई का काम कौन करे, तो कहा ये जाता है कि सफाई का काम के लिए झाड़ू वालों को रखो, झाड़ू वगैरह देना है वो दूसरे काम करेंगे, लेकिन वो सब करें, अगर ऐसा करें तो मैं आपको कहता हूँ कि वो हमारा काम दिल्ली में चल नहीं सकेगा। थोड़ी से तो मैंने इशारा तो इस बारे में कर दिया था, लेकिन मैं वो ऐसी चीज़ है कि बार बार मैं कह सकता हूँ। तो हम जो कैंपों में ही पड़े हैं उनका एक धर्म हो जाता है कि हम वो शुरू कर दें ना, अपना आंगन है उसको साफ रखने का, अपने पैखाने हैं उसको साफ रखने का, तो वो चीज़ की सुवास अपने आप फैल जाएगी, उसका असर वो जो छावनियों में पड़े हैं उन पर होगा। मैं ऐसे बना हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमने हमारे धर्म पर एक बड़ा कलंक लग गया है, अस्पृश्यता रूप, तो अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हम खुद अस्पृश्य बन जाएं। अगर हम अस्पृश्य बने तो मानी भंगे बने, झाड़ू निकालने का काम करें वो कोई खराब काम थोड़ा है, वो तो बहुत अच्छा काम है। स्वच्छता रखना वो तो धर्म है, तो वो तो धार्मिक काम हो जाता है। तो अगर हम सब अस्पृश्य बन जाएं तो हम दो काम कर लेते हैं, एक तो अस्पृश्यता का जो कलंक है उसमें काफ़ी बाकी रहा है उसका नाश हम कर लेते हैं, और दूसरा दिल्ली को खूबसूरत बना सकते हैं, और जो कैंपों में पड़े हैं लोग वो समझेंगे कि दिल्ली के लोग अपना काम ऐसा अपने आप करते हैं, तो पीछे हम कैसे यहाँ पड़े रहें और उम्मीद करें कि नहीं दिल्ली में हमको सफाई करने वाले भेजो। मैं आपको कहूँगा कि मेरे हाथ में अगर कैंपों को चलाने का रहे तो उनको तो मैं कहूँगा कि नहीं ये आपको साफ करना होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर बापू की अपनी आवाज़ में साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर उनके विचार क्या हैं, ये हमने अभी देखे। समझने की बात यहाँ पर ये है, अगर आपसे पूछें चार्या जी इस समय, कि हम जब कहते हैं गांधी जी स्वच्छता की बात करते रहे, अभी आपने कहा कि अपने घर की सफाई हम करते हैं उसके बाद हमारा सरोकार खत्म हो जाता है, लेकिन हम फिर कहते हैं हमारी दिल्ली हमारी शान, मेरा भारत महान, जब वो मेरा है, जब दिल्ली हमारी है तो क्यों नहीं उसके बारे में हम सोचते। हालांकि यहाँ ये और हम जोड़ते चलें कि मोदी जी ने ये बात कही है कि मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ, चाहे लाल किले के प्राचीर से हो या जहाँ भी वो लोगों से आह्वान करते हैं, संबोधन में अपने इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं, विदेशों में भी, तो स्वच्छता
सभ्यता की बात अब होने लगी है, जो शर्मिंदगी का दायरा था जिसको हम टैबू मानते थे वो अब दूर होने लगा है। क्या लगता है आपको कि लोग किस तरह जुड़ेंगे इसमें और किस तरह ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? ये आंदोलन इसीलिए आगे बढ़ेगा कि अभी इस काम को छोटा काम नहीं माना जाएगा। तो जो लीडरशिप है, जो आप हायर लीडरशिप है, इस बात को इम्पोर्टेंस दे रही है कि स्वच्छता हरेक की जिम्मेदारी है। और वो मेरे प्रधान सेवक, जो प्रधानमंत्री ने अपने आप को जब उन्होंने शपथ लिया तब उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। गांधी में भी यही एक भावना थी, उन्होंने अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि कोई काम छोटा है। अभी भी वो जिक्र कर रहे थे कि ये किसी वर्ग का या किसी जाति का या इससे स्पर्श भावना जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। एकादश व्रत में भी उन्होंने स्पर्श भावना की बात की है। देयर इज नो टचेबिलिटी एसोसिएटेड विद एनी प्रोफेशन। कोई काम नीच काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम लोगों ने सोच लिया कि कोई काम नीच है, इस धारणा को हम तोड़े। दिस इज एन अजम्पशन, ये हम लोगों ने मान लिया कि ये काम नीच है। सही बात है, तो इसको तोड़ने की जरूरत है। और हर एक आदमी ये माने कि ये तो सबसे बड़ा काम है। ये तो जैसे पूजा करने से पहले हम पवित्र हो जाते हैं, तो वैसे ये पूरी सृष्टि है जी, ये पूजनीय है। विवेकानंद ने कहा और हर एक ने कहा कि द होल यू नो यूनिवर्स इज स्पिरिचुअल, इट्स डिवाइन। तो हम इसको इस दृष्टिकोण से नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि हम सफाई को इतना महत्व हमारी संस्कृति देती रही है, कहीं ना कहीं ये बीच में छूटा भी। आपको डॉक्टर साहब क्या लगता है कि किस तरीके से, जैसे लोगों को अब एकजुटता की बात चल रही है, इस विषय पर बात भी होने लगी है, कोई संकोच वाली बात भी नहीं रही, क्या हम वाकई में इस रूप में सक्षम हो पाएंगे कि देश को पूरी तरह हम स्वच्छ बना दें और हर घर में शौचालय हो? अरे हम होंगे ना सफल, क्यों नहीं होंगे? हाँ, जी। क्या है? पर महात्मा गांधी कहते हैं एक जगह पर कि हमारी स्मृतियों में तो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की स्वच्छता की बात की गई है। हम बाह्य स्वच्छता नहीं करेंगे तो आंतरिक स्वच्छता कैसे होने वाली है? वो बहुत पहले 1896 ये बात कह रहे हैं कि प्रत्येक स्मृति में बाह्य और आंतरिक स्वच्छता इकट्ठी चलती है। पर आपने वो जो क्लिप दिखाई वो बहुत रुचिकर है। महात्मा गांधी बार बार स्वयं झाड़ू उठाते हैं, बार बार कस्तूरबा से झाड़ू उठवाते हैं और कस्तूरबा के साथ उनके साथ बहुत बड़ा झगड़ा होता है इसके लिए। अच्छा। और उसके बाद वो बहुत लंबा लिख रहे हैं कि मैंने बहुत अत्याचार कर दिया है कस्तूरबा पर। अच्छा। पर ये तो मैंने उन्हें सिखाना ही है, ये तो मैंने उन्हें सिखाना ही है। और सेवाग्राम में तो ये चलन भी था कि सब लोगों को सफाई में योगदान करना है। अच्छी बात ये आज हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री स्वयं आज के दिन उन्होंने ये प्रण लिया है और ये झाड़ू उठाकर वो खुद सफाई का अभियान शुरू करने वाले हैं, ताकि आम लोगों को भी ये मालूम हो कि ये बुरा काम नहीं है, हम सबको मिलके ही करना होगा। उन्होंने भी कहा भी कि हमें साल भर में हम सबको जो है 100 घंटे कम से कम श्रमदान करना चाहिए साफ सफाई के लिए। तो हम जो बार बार बात कर रहे हैं आम जनमानस की भागीदारी, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि लोगों की मानसिकता की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, खाया कहीं भी आपने फेंक दिया बिना ये सोचे कि हम अपने देश को गंदा कर रहे हैं। और इसमें एक पक्ष और जुड़ जाता है, वो है रोजगार का। अगर बाहर से विदेशी हमारे यहाँ आ रहे हैं, पर्यटन की अगर हम बात करते हैं, टूरिज्म की, तो वो बेहद ज़रूरी है कि साफ़ सफाई यहाँ उनको दिखे, तभी हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा, जिसका विस्तार हम सब चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सौंदर्य दृष्टि की बात है, क्योंकि हर एक आदमी सुंदर जगह, पर्यटक सुंदर जगह जाना चाहता है, जहाँ उसका मन जो है संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। और हमारे देश में सुंदर यू नो सीनिक और ब्यूटीफुल लोकेशंस की कोई कमी नहीं है बिल्कुल। और लेकिन बहुत जल्दी यदि एक आदमी कोई प्रदूषण कर देता है या गंदगी फैला देता है तो उसके पीछे 10 लोग उसी तरह का बिहेवियर रिपीट करते हैं। तो दिल्ली मेट्रो का यदि हम लोग उदाहरण लें तो बहुत बढ़िया हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूशनल कल्चर, नया इंस्टीट्यूशन बना। और दिल्ली मेट्रो को देखेंगे आमतौर पर ओवरऑल, खैर उसमें भी और इम्प्रूवमेंट की संभावना है, कई तरह के यार्डस्टिक्स हो सकते हैं क्लीनलीनेस के, सैनिटेशन के, हाइजीन के, लेकिन एक हमने एक इंस्टीट्यूशन दिल्ली में बनाया जहां पर लोगों का बिहेवियर ऑल्टर हुआ। तो हमें हाई स्टैंडर्ड्स डेमोंस्ट्रेट करने हैं और एक सेलिब्रेशन के तरह से, एक उत्सव, ये एक उत्सव हो, ये ऐसा नहीं हो कि किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में। ये मेरा शहर है, ये मेरा देश है, बिल्कुल। और ये भावना, इस मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और आज स्वच्छता का उत्सव ही देश मना रहा है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग ये चीजें जानते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं गरीबी आड़े आती है, लोगों के पास वो साधन नहीं है। आज स्वच्छता का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि हर रोज करीब 1000 से 1500 बच्चे जो हैं वो मौत के शिकार होते हैं, जिसका कहीं ना कहीं कारण ये है। और महिलाओं की निजता और प्रतिष्ठा का सवाल तो है ही, तो इसमें लोगों को ही आगे आना होगा। और गांधी जी ने लोगों को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था, कुछ उस बारे में बताइए कि किस तरीके से गांधी जी जो हैं लोगों को एकजुट करने में कामयाब रहते हैं, और वो भी अहिंसा जैसे आंदोलन के लिए। महात्मा गांधी का तो महत्व ही यही है कि उन्होंने जो लगता था कि नेताओं का कार्य है
उन्होंने जनता का कार्य बना दिया, भारत को स्वतंत्र करवाने का कार्य। जब तक महात्मा गांधी नहीं आए तो कांग्रेस के नेताओं को लगता था कि हमारा कार्य है, हम 100-200 लोग 1000 लोग बैठेंगे और देश स्वतंत्र हो जाएगा। उन्होंने आके इसे जन आंदोलन बना दिया। और हमारे प्रधानमंत्री नित्य ये कहते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के कार्य को जन आंदोलन बना दिया, और ऐसा बना दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को लगा कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो ठीक से करूं तो स्वतंत्रता आएगी। जी अब हम स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वही सबसे अहम चीज है डॉक्टर साहब, है ना, कि जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक कैसे होगा। बिल्कुल, पर गरीबी भी आड़े नहीं आती स्वच्छता। मैं महात्मा गांधी स्वयं जब 1896 में राजकोट में पहुंच जाते हैं, पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होने के बाद पहली बार वो भारत आते हैं 1896 में, और राजकोट जाते हैं, और संयोग से तब प्लेग फैल जाता है। तो प्लेग हुआ तो सफाई करवाने का कार्य उनके जिम्मे पर पड़ता है, और घर घर जाते हैं वो जी। तो वहां वो पाते हैं कि जो अछूतों की बस्तियां हैं उनके घर तो इतने स्वच्छ हैं, अच्छा उनके अंदर शौचालय नहीं है जी। पर घर को बुहारा गया है बाहर से, अंदर से पोता गया है, और वहां के जो बर्तन है ऐसे मांज के चमकाए गए हैं जी। और महात्मा गांधी इतने प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो प्लेग नहीं आ सकता। क्या बात, और वैसे अवसर नहीं है, मैं अब भी किसी अछूत बस्ती में जाता हूँ, वास्तव में गांव में ठीक वैसा घर दिखता है जैसा 1896 में महात्मा गांधी बता रहे हैं। आज भी मेरे पास तस्वीरें हैं, कभी जितने लेके आऊंगा। लेकिन डॉक्टर वैसा चमकता हुआ एक बात, वैसे बुहारा हुआ घर, वैसे पोता हुआ घर जी सर्वदा होता है अछूत बस्तियों में, और अछूत बस्ती लेकिन हम बस्तियों तो बाहर की भी सफाई होती जी। लेकिन हम इसको अगर समुदाय या किसी वर्ग विशेष में जाति में ना बांटते हुए आम जनमानस की बात करें, तो चार्जर साहब थोड़ा इस पर आप रोशनी डालें कि अभी जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी हो गई है, हम आम लोग जो है वो किस तरह योगदान कर सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य हमारा ये है कि 2019 तक 150वीं जयंती जब बापू की होगी तब तक हमें इसको हासिल करना है, तो उसके लिए सबकी भागीदारी ज़रूरी है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या करे एक आम आदमी जिससे वो भी योगदान कर सके, उसे एहसास हो कि भारतवासी होने के नाते मैं भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हम बच्चों से शुरुआत करें, क्योंकि बच्चों में कुछ ऐसी ऊर्जा होती है, और सभी धर्म ग्रंथ में भी कहा गया है कि जो है खुदा जो है आपको बच्चा बनना पड़ेगा खुदा से भी बातचीत करने के लिए। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी बच्चों को एड्रेस किया, क्योंकि दे आर आवर फ्यूचर, बच्चे तो हर समाज का जो है फ्यूचर बच्चों में है, तो बच्चों में खूब ऊर्जा है जी। तो स्कूल में क्लब्स बने, छोटे छोटे क्लब्स बने, और स्कूल एनरोलमेंट के ऊपर फोकस हो रहा है, तो स्कूल में एक मैसेज तो जा ही रहा है, सर्वशिक्षा अभियान और अभियान चल रहे हैं, मोहल्ले में छोटे वेलफेयर जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वहाँ पे छोटे एक्शन कमिटीज बने। एक दिन हम लोग निकालें हफ्ते में कि हम 2 घंटे या 4 घंटे पार्क में जाएंगे, और यदि कोई हम पाते हैं वहाँ पे कि जो है कूड़ा जो है उपयुक्त स्थान पर नहीं है, तो हम लोग एक सोशल एक्शन, वाइड स्प्रेड सोशल एक्शन लें, अलग अलग लोग, कुछ लोग टॉयलेट्स पे करेंगे, कुछ लोग पार्क्स पे करेंगे, कुछ लोग शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे करेंगे, शायद हमें और स्ट्रक्चर्स की जरूरत है हर जगह, जैसे हम लोग क्लिनलीनेस कमिटी बनाएं, जैसे थूकदान प्रोवाइड किए गए हैं अस्पतालों में, और अक्सर पाया जाता है कि थूकदान का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोगों को इसको एक क्रिएटिव मूवमेंट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस में भी और रेजिडेंशियल लोकैलिटीज में भी, और तमाम इंस्टीट्यूशंस को मेरे ख्याल से सबको साथ आना पड़ेगा जी। इसमें जो चारियार साहब ने बात की बहुत जरूरी है कि हम सब थूकदान तो है पर थूकते बाहर हैं, सबको जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और देखिए बच्चे जो हैं उन्हें चेंज एजेंट बोला गया है, और वो कुछ सोच समझ के बोला है, बहुत बड़ा बदलाव लाते बच्चे। गांधी जी की हम बात कर रहे थे, गांधी जी ने कहा है कि भाई देह जो है वो अगर आपकी साफ है स्वच्छ है तो आत्मा भी स्वच्छ है। देखिए ये इतनी बड़ी बात गांधी जी ने कही है, हमें इन सब की गहराई समझनी है, तो चलिए और समझते हैं और गांधी जी की आवाज़ में ही सुनते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे वो। सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है, जितनी चौड़ी लंबी पृथ्वी है इतना क्षेत्र सेवा का लंबा और चौड़ा पड़ा है। जो सेवा करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है, लेकिन हम ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी यहाँ आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है
कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है। तुम्हें बता दूं कि क्या करें, मैं तो ये कहूँगा कि आखिर में दिल्ली स्वच्छता के लिए मशहूर शहर नहीं है। वो जितनी यहाँ आज शिविर पड़ी है उस सब में इतनी भारी गंदगी पड़ी है कि उसका बयान देना बड़ी मुसीबत की बात है। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी वो कभी मशहूर नहीं रही है कि दिल्ली शहर को म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बेचने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ, तो किसी को अगर दुनिया भर में नमूना देखना है तो दिल्ली है। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी ने बनाया नहीं। मैं तो काफ़ी दिल्ली में रहा हूँ, ये हो सकता है कि वो कैंपों में न जा सके, तो भी एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे दिल्ली शहर पर पड़ता ही, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब साफ रखें तो हम भी साफ रखेंगे, तो कभी साफ हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा मानकर हर एक आदमी बैठे कि हम अगर साफ रखें अपना मकान को, अपना देह को, अपना आत्मा को, तो पीछे सब साफ ही रखेंगे। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई, सफाई की बात हो रही है, शुचिता की बात हो रही है कि सफाई के लिए हमें इंतज़ार किसी का नहीं करना है, खुद ही शुरू करना है तो ये काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, हम बार बार सफाई की बात करते हैं, अब तक तो ये भी रहा कि इस विषय में बात करना ही लोग ओरेस करते रहे इस चीज़ से, अब जब प्रधानमंत्री ने ये विषय उठाया है वो भी लाल किले से उठाया है तो लोगों को लगा कि इस विषय पर ना सिर्फ बात होनी चाहिए बल्कि काम होना चाहिए। लेकिन पिछले वर्षों का लेखा जोखा अगर हम देखें तो क्या लगता है इस काम को गति अब तक क्यों नहीं मिलने पाई, और अब जो हमारा लक्ष्य है इसको हासिल करने का 2019 तक, उसको गति किस तरह दी जा सकती है? देखिए पीछे क्या हुआ उस पर हमें बहुत चिंता नहीं करनी, बहुत सारी गलतियां हमने की, आगे क्या करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो आपने क्लिप दिखाई उसमें एक बात महत्वपूर्ण है, हम सभी लोग बैठे लोगों की जिम्मेदारी की, लोगों की भागीदारी की बात तो कर रहे हैं, पर गांधी जी और ये बहुत बार करते हैं वो, गांधी जी इस क्लिप में आपने सुना होगा बार बार म्यूनिसिपैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो नागरिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, केवल लोग लग जाएंगे उससे बहुत होगा पर ये नागरिक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी तब तक कठिनाई है, क्योंकि उनकी जवाबदेही ज्यादा है। बिल्कुल, आपको सड़क पर पर्याप्त शौचालय नहीं दिखेंगे, पर्याप्त पेशाब घर नहीं दिखेंगे तो लोग भी क्या करें, कहीं कहीं कुछ सीमा होती है। महात्मा गांधी रेल में जाते हैं, तीसरे दर्जे में जाते हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने विदेश में, दक्षिण अफ्रीका में भी रेलों में चला हूँ, यूरोप में भी रेलों में चला हूँ, वहां प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी में इतना बड़ा अंतर नहीं होता, यहाँ तृतीय श्रेणी में कोई व्यवस्था की ही नहीं जाती और उसके बाद हमारी आदतें इतनी गंदी हैं, तो दोनों समस्याएं मिल जाती हैं। पर व्यवस्थाएं तो जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो नागरिक व्यवस्थाएं हैं, उनको तो रिजिडली अपना काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, लोग भी जुड़ेंगे, लोगों को तो जोड़ना ही है, पर व्यवस्थाएं आज के दिन में यह भी संकल्प होना चाहिए कि म्यूनिसिपैलिटी का जो काम है वो काम नियम से नित्य प्रिय और नित्य प्रति होगा, पूरी निष्ठा से जितनी व्यवस्था की आवश्यकता है पब्लिक स्पेसेस में उतनी व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए साधन पर्याप्त हमारे पास उपलब्ध है, किसी के पास साधनों की कमी आज नहीं है। और ये बात हो भी रही है, प्रशासन जो है वो भी प्रण ले रहा है, संकल्प ले रहा है पूरे देश को स्वच्छ बनाने, वो भी अपनी भूमिका निभाएगा। चारियर साहब, लोगों की भागीदारी की बात होती है और हमने देखा है लोगों की बहुत भागीदारी रही है, लोगों ने बहुत कुछ काम किए हैं, कुछ ऐसा उदाहरण, क्योंकि आपका एक अनुभव है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जी लोगों की तो मानसिकता ही नहीं है और जो गरीब हैं पिछड़े इलाके वहाँ तो बिल्कुल लोग नहीं सोचते, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है और निराशा वाली तो कोई बात ही नहीं। नहीं, आशा के किरण बहुत सारे हैं, एक नहीं कई हैं,
अभी मैं कल किसी से सैनिटेशन के बारे में लंबी डिस्कशन कर रहा था, 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे है, वो भी एक पड़ाव है जिसके तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, और वहाँ पर भी कई एजेंसीज लगी हुई हैं, देश की विदेश की लगी हुई हैं, स्वयंसेवी संस्थाएँ लगी हुई हैं। झारखंड में एक जगह है डुमका, और वहाँ के बारे में मैंने सुना कि एक बहुत ही रिमोट लोकेलिटी है, एक ट्राइबल हैमलेट है, और पानी का कोई वहाँ पे प्रावधान नहीं था, और इतनी क्रिएटिविटी वो एक छोटी सी कम्युनिटी ने दिखाई कि बांस के पाइप लगा के लिफ्ट इरिगेशन से उन्होंने पानी पहाड़ के ऊपर तक पहुँचाया, और लोकल मटेरियल से जो काउडंग प्लास्टर है, मट प्लास्टर है, बांस है, उससे इतना सुंदर शौचालय। अच्छा, लेकिन हमें अचरज होता है कई बार, सरकारी ऑफिशियल्स को भी अचरज होता है, और शक की भावना से देखते हैं कि शायद तुम शौचालय बना तो दिए हो लेकिन तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये जो है एक जो एक सस्पिशन का एक चैजम है, गैप है, शायद इसे भी हमें कहीं ओवरकम करना है। हमें जनता के ऊपर, जैसे बजाज जी कह रहे थे कि हम लोग मूलतः हम लोग गंदे लोग नहीं, ये हमें सोचना कि भारत देश में गंदे लोग रहते हैं या गंदगी पसंद करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक कल्चरल चेंज, कहीं पर एक छोटा सा टॉलरेंस हमने परमिट कर दिया उसको, तो ये मानसिकता फैल गई, तो एक आदमी प्रदूषित करता है फिर दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन झारखंड जैसे रिमोट एरियाज में, आसाम में, बंगाल में, बिहार में भी एक चेतना की लहर उठी है, और लोग जो सब्सिडी अमाउंट मिल रहा है उससे ऊपर भी स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि मेरा शौचालय जो हो वो मेरे टेस्ट के हिसाब से हो, उसमें नहाने के लिए जगह हो। और जितेंद्र जी के बात से मैं जोड़ना चाहूंगा कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में भी हमने महिलाओं के बारे में इतना नहीं सोचा जितना हमें सोचना चाहिए, हमें शायद और संवेदनशील उसके बारे में होने की। ये बहुत अच्छा आपने कहा आचार्य जी, मैं इसी पे डॉक्टर बजाज से पूछने वाली थी। महिलाओं की अगर भागीदारी की बात की जाए विशेषकर, तो परंपरागत रूप से हम लोग सफाई पसंद रहे हैं, उसकी वजह हमारे त्यौहार भी हैं, उससे पहले हमारी तो हमेशा से परंपरा रही है कि साफ सफाई की जाती है। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने बात की महिला सुरक्षा की, उनकी अस्मिता की, वहाँ जब हम बात करते हैं तो उसमें शौचालयों की बात हो, साफ सफाई की बात हो, उनकी सेहत और स्वास्थ्य की बात हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें कितनी सजगता आपको लगता है कि आ रही है? महिलाएं भारत में सफाई सौंदर्य दृष्टि के लिए सर्वदा कार्य करती रही हैं। आप कभी सुबह सुबह इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, उत्तर वाले, थोड़ा दक्षिण की ओर चले जाइए, नर्मदा के उस पार चले जाइए, और कभी सुबह सुबह निकलिए 5 बजे सुबह किसी गांव में से, सभी महिलाएं, बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां आपको बुहारी करती हुई दिखेंगी, उसके बाद छिड़काव किया जाएगा जी। उसके बाद आलता बनाया जाएगा, वो सब गांव में होता है, वो गरीब अमीर की बात नहीं है किसी। तो इतनी रुचि तो सौंदर्य बहुत, आप किसी, ये दुमका की बात कर रहे थे, आप किसी वनवासी क्षेत्र में चले जाइए, किसी दीवार को आप नहीं देखेंगे जिस पर अच्छा लिपा पोत करके अच्छी सी कोई तस्वीर नहीं बनाई गई। तो लोगों को इच्छा है साफ रहने की, और एक सौंदर्य बोध है कि घर कैसा दिखना चाहिए, उसको जागृत करना है, उसको उसकी व्यवस्था करनी है। और महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है वो भी मुझे तो लगता है कि हमने थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया। इस पर विषय पर ध्यान जाएगा तो समाज जागृत होगा, महिलाओं के प्रति ये जो थोड़ा अव्यवस्था जैसी हो गई लोगों के मन में, वो एक बार ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई कि ये ठीक नहीं है, वो मन में तो हम जानते ही थे कि ये ठीक नहीं है, एक बार ये कहना शुरू हो गया कि ये ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगने वाला है। महिलाएं स्वयं जागृत होंगी, लड़के जागृत होंगे, और मुझे लगता है इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा। डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं, देखिए कि महिलाओं के प्रति जो मान सम्मान की बात है उसमें लोग जागृत है, और एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि सफाई भी हम जानते हैं, कहीं ना कहीं भूल गए हम, कुछ चीज़ों में ऐसा व्यस्त हो गए या अपने में ही खो गए कि हम ये चीज़ भूल गए। चारियर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये है कि हम एक साल के अंदर जितनी भी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं उनके लिए वहाँ पर शौचालय बना देंगे, ये कितना महत्व रखता है? क्या इससे आपको लगता है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक बिल्कुल इस मुद्दे के प्रति जागृत कर रहे हैं? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, स्कूलों में शुरू करने से बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्कूल एनरोलमेंट पर भी फोकस है जी, भारत को यू नो इट्स वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेमोग्राफिक प्रोफाइल के दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों को जो मैसेजेस जो मिलेंगे मेरे ख्याल से वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन का इफेक्ट होगा, सैनिटेशन लेबोरेटरी बने हर एक स्कूल में, टॉयलेट के अलावा
कि ये जो फीसिस और यूरिन है इसके प्रति एक जो हमें एक वी डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट, सैनिटेशन के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, घिन जो आती है वो खत्म हो, हाँ वो खत्म हो, सैनिटेशन लेबोरेटरी बने इसके साथ साथ, टॉयलेट के साथ साथ, कि मल मूत्र संसाधन है, गांधी ने कहा कि ये खाद बन जाता है और उसके तो ड्राई टॉयलेट, उन्होंने यदि ड्राई टॉयलेट मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट आ गया है वो हम मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें कुछ मैकेनाइजेशन हो सकता है ताकि ये जो पदार्थ है नाइट्रेट फॉस्फेट पोटेशियम है ये खेत में लौटे और हम इसको समझें कि ये डिसरप्टिव कैसे बन सकता है, यदि ये पानी में चला जाएगा तो पैथोजन प्रोपगेशन होगा। तो मेरे ख्याल से वो जो साइंटिफिक टेम्पर की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि इसको हम लोग उसके साथ जोड़ें कि सौंदर्य दृष्टि एक तरफ कि नित्योत्सव की बात करते हैं कि रोज ही हम लोग उत्सव मना रहे हैं, कोई ना कोई पर्व कोई ना कोई त्यौहार रोज ही मना रहे हैं और उसमें सफाई होती ही है उसमें शुद्धि होती ही है, तो नित्योत्सव और सौंदर्य दृष्टि उसके साथ साथ एक साइंटिफिक टेम्पर और एक साइंटिफिक स्पिरिट, इसको हम बच्चों के साथ जितना ज्यादा हम बात करेंगे मेरे ख्याल से उतनी ऊर्जा इस कैंपेन को मिलेगी। जी आपने ये बात बहुत अच्छी कही और देखिए हम जानते हैं कि 65% जो आबादी है वो 35 साल से कम की है, युवा देश है तो युवाओं की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है और गांधी जी का जन्म दिवस है, गांधी जयंती है, इस दिन के लिए हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पर चार्य साहब आप जो बात कर रहे थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्परमेंट की, इसमें ये जो मल जल और थल का जो कंसेप्ट है इसको आप थोड़ा लोगों को बताइए समझाइए कि कैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, कैसे नुकसान होता है पर्यावरण को। तो हम लोग किसी भी शरीर में देखें तो बैक्टीरिया होते ही हैं, कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, कई बार हमें कुछ रोग हो जाता है या दोष हो जाता है शरीर में तो अनहेल्दी पैथोजेंस आ जाते हैं। फीसिस में, फीसिस एक ब्रीडिंग ग्राउंड है पैथोजेंस के लिए, उसमें होता ही है, यूरिन को कहा जाता है कि यूरिन में पैथोजेंस होते नहीं है, जो हेल्दी इंडिविजुअल है यूरिन स्टेराइल है और फीसिस जो है जो मल है उसमें पैथोजेंस होते हैं। तो ये पैथोजेंस जब जल में मिल जाते हैं और ये जल प्रवाह हो जाता है और कोई और उससे, जैसे हम लोगों ने प्रदूषित किया, मैंने तो साफ पानी पी लिया लेकिन किसी और को वो पानी मिल गया जो प्रदूषित है और दिखाई नहीं देता क्योंकि कीटाणु बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रोस्कोप में रखने से तो दिखाई देते हैं, तो हर एक आदमी देख नहीं रहा है, उसे तो लग रहा है पानी साफ है, पानी पी लेता है और संक्रमण उसी से ज्यादा और संक्रमण उससे ज्यादा होता है। तो ये ब्रेकिंग द पैथोजन साइकिल, तो टॉयलेट इज अ डिवाइस फॉर ब्रेकिंग द पैथोजन साइकिल, लेकिन सेफ सस्टेनेबल टॉयलेट बने, गांधी वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम, उन्होंने तो सेफ सस्टेनेबल टॉयलेट की परिकल्पना की कि जो है मल जो है वो थल पे पहुंचे जल से ना मिले। क्या बात है, तो जल मल थल की बात हो रही है। तो डॉक्टर बजाय डॉक्टर चारियार हम सब अब देखते हैं दर्शकों, एक छोटी सी थोड़ा सा मूड को अब लाइट करते हैं, आइए देखते हैं ये गीत। तो देख रहे थे वाकई प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो, शहरों की बात हो, महानगरों की बात हो, तो साफ सफाई हर जगह बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर बजाज, अगर आपसे हम समझना चाहें जब हम बात करते हैं अर्बन रूरल, अगर थोड़ा सा विभाजन इस तरह से भी करते हैं, तो अभी जैसे कि चारियार साहब ने कहा कि हम स्कूलों में शौचालय की बात करते हैं विशेषकर कन्याओं के लिए, तो जो शिक्षा का स्तर है वो भी बेहतर होगा क्योंकि उनकी जो एनरोलमेंट है बढ़ेगी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें वहाँ तो लोग शिक्षित भी हैं सजग भी हैं, लेकिन अगर आदतन देखा जाए तो फिर वही है, खुले में जाना, ओपनली कहीं भी चले जाते हैं, कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, तो उपलब्धता होने के बाद भी हमारी सोच, हमारी आदत, हमारी मानसिकता नहीं बदलती है, उसमें परिवर्तन किस तरह हम ला सकते हैं? मुझे लगता है कि इसको जब शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में स्वच्छता को हमें बहुत बड़ा स्थान देना पड़ेगा। महात्मा गांधी तो कहते हैं कि शिक्षा दो ही चीजें होती हैं, एक स्वच्छता और दूसरा शील, आपने ठीक व्यवहार क्या करना है, क्या बात और स्वच्छता कैसे। वो जब चंपारण आंदोलन में है तो वहां पर गांव में वो 6 प्राथमिक शालाएं खोलते हैं और उनके लिए अध्यापक ढूंढने हैं, तो अध्यापक को बहुत कठिन है मिलने और जो भी आसपास है उसे ले लेते हैं और बड़े लोग उसमें आ जाते हैं, कस्तूरबा स्वयं लगती हैं, महादेव देसाई उस समय उसमें आते हैं और इस प्रकार के लोग आते हैं, उनको पढ़ाना तो नहीं आता किसी को। तो महात्मा गांधी के मैंने उनको बैठ के ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग ये है कि तुम्हें वो 3 आर्स आ जाएंगे, लिखना पढ़ना और ये जो
अर्थमेटिक, ये तो आ जाएगा, तुम्हें भी आता है, उनके साथ रहोगे बच्चों के साथ, उन्हें भी आ जाएगा, उन्हें भी आ जाएगा। पर तुम्हें सिखाना है उन्हें सफाई और तुम्हें सिखाना है उन्हें शिष्टता। और वो कह रहे कि एवरी डे आई यूज टू इम्प्रेस अपॉन देम दैट यू हैव टू टीच ओनली क्लीनलीनेस एंड एंड मैनर्स। वो दो चीजें आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ महीनों बाद ये सब बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत ऊंचे थे बाकी उनसे। तो हमें शायद क्लीनलीनेस की बात उस ढंग से जैसे महात्मा गांधी कह रहे हैं अपनी शिक्षा में इसे जोड़ लेना चाहिए और मन में ये रखना चाहिए कि स्कूल प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर तो सफाई सिखा दें, शील सिखा दें, तो उतने से काम चल जाएगा। बाकी ये जो लिखना पढ़ना तो बहुत छोटा है, वो बच्चे सीख जाते हैं। डॉक्टर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि विवेकानंद जी ने भी चरित्र निर्माण की बात की है। अभी डॉक्टर मजान ने जैसा कि कहा, गांधी जी की क्लिपिंग में हमने देखा कि मन की सफाई भी जरूरी है, यानी हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, ये भी हमें समझना होगा। तो सफाई दो तरफा है ये, लेकिन शुरुआत अगर हम शारीरिक सफाई से करें या वातावरण की और पर्यावरण की सफाई से करें तो बीमारियां नहीं होंगी तो मन भी साफ रहेगा। लोगों को ये समझाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं? मेरे ख्याल से इसको सांस्कृतिक तरीके से हम लोग इसको देखें तो बच्चे तो सुंदरता पसंद करते ही हैं, कुदरत में इतनी सुंदरता है जी। तो इसके लिए बहुत इनोवेटिव आईसी कैंपेन्स की ज़रूरत है जो मन को टच करें। ये सिर्फ एक इट्स नॉट अ हेड बेस्ड इशू, ये सिर्फ एक दिमागी इशू नहीं है। तो हम लोग जो कहते हैं कि खिलना खुलना और खेलना, बच्चे खिल पाएँ, खुल पाएँ, खेल पाएँ, सुंदर जगह में रह पाएँ, सुंदरता को की सराहना हो पाए, तो हम लोग सिर्फ ये मंदिरों में और मस्जिदों में नहीं होगा, ये तो पूरी जो वसुंधरा है वो सराहनीय चीज़ है। इतनी सुंदरता है, वो हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक देखें, इतनी सुंदरता है कि और ये सुंदरता का सेलिब्रेशन हो, उत्सव हो, सुंदरता को हम लोग सेलिब्रेट करें। अब एजुकेशन केवल किताबी मसला थोड़ा सा बनता जा रहा है। तो बच्चों को हम लोग खुले में ले जाएं और जो खुले सौंदर्य के बारे में उनको अप्रिशिएट करने की एक अपॉर्चुनिटीज दें। हम साक्षर तो बना रहे हैं, शायद शिक्षित करने में कहीं कामयाब नहीं हो रहे। गांधी जी ने एक बात कही थी बजाज साहब कि जो हवा को दूषित करता है और वही हवा हमारे शरीर में जाती है वो हमें भी दूषित कर रहा है, तो वो राम का नाम तो बेकार में ले रहा है। तो ये जो उनकी एक कि जितना भी ये दूषित हो रहा है वातावरण, हवा दूषित हो रही है, पर्यावरण को हमने नष्ट कर दिया, कहीं ना कहीं हमारा लालच ही उसमें है जो सामने आता है। तो पूरा जो हम स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं तो ये बदलाव पूरी हम मानव के व्यक्तित्व में देखना चाह रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि हमने जगह की सफाई कर दी, एक पूरा बदलाव, एक चरित्र का जो निर्माण कहते हैं वो एक हो रहा है। तो उसमें गांधी जी के क्या विचार रहते थे? गांधी जी के लिए बाह्य और आंतरिक में अंतर कभी रहा ही नहीं। अगर अंदर साफ है तो बाहर साफ है, बाहर साफ है तो अंदर साफ है वो। और उसके लिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है महात्मा गांधी में, उन्हें किसी प्रकार का इसमें संकोच नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पहली बार जब पहले बार कांग्रेस सम्मेलन में जाते हैं 1901 में जी, उन्हें रिपन कॉलेज में ठहराया जाता है, महत्वपूर्ण सम्मेलन है और रिपन कॉलेज में ही लोकमान्य तिलक रुके हुए हैं जी। पर वो पाते हैं कि इतनी गंदगी है और इस अभी जो पिछली क्लिप बताया उसमें वो बता रहे थे कि शिविरों में इतनी गंदगी शिविरों में, और सुबह उठते हैं तो कैसे शौच करेंगे, तो संख्या कम है शौचालयों की, और दूसरे वहाँ गंदगी इतनी है, इतने भरे पड़े हैं। तो वो स्वयं सेविकों से कहते हैं हमें भी ये कुछ करना चाहिए, वो कहते हैं हमारा काम थोड़ी है, तो स्कैवेंजर्स का काम है, भंगियों का काम है। तो कहते वो खुद झाड़ू उठा लेते हैं और उस समय वो कह रहे हैं कि मैंने तो झाड़ू उठा लिया, अन्यों को स्तब्ध तो रह गया उस पर वो आके हाथ साथ जुड़ जाए ऐसा नहीं हुआ। पर अभी तो महात्मा गांधी उस समय भारत में वास्तव में आए नहीं थे, वो तो 1901 में उस सम्मेलन के लिए आए थे। उसके बाद जब आते हैं तो वो इसी प्रयास में लगते हैं कि मैं जब झाड़ू उठाऊं तो पूरा देश भी मेरे साथ झाड़ू उठाए, तो उसकी बात करेंगे जी। और वही प्रयास आज भी किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ू उठा रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग इसमें सहयोग करें। डॉक्टर शारियार, एक बात और यहाँ मन में आती है कि हम अभी प्रकृति की बात कर रहे थे, उसके सौंदर्य की बात कर रहे थे, पर्यावरण की बात कर रहे थे, तो हम ये कहते हैं कि पर्यावरण कोई पहाड़ हो, प्रकृति का कोई रूप हो, हमें बुलाता नहीं है कि मेरे से मिलने आओ, मुझे निहारने आओ, हम खुद जाते हैं उसके पास, वो हमें आकृष्ट करता है, उसकी खूबसूरती आकृष्ट करती है। आम जनमानस की जब हम बात करते हैं, शहरों की, महानगरों की बात करते हैं,
जब हम फेंकते हैं कूड़ा, हम जाते हैं जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और वहाँ पे खरोच के आ जाते हैं, तो हमारे मन में क्यों नहीं ये भाव जगता कि हम गंदा कर रहे हैं? सबसे बड़ी जड़ हमें लगता यही है कि हमें एहसास ही नहीं है, आभास ही नहीं है कि हम गंदगी बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे एक डिस्कनेक्ट हुआ, जो एक कॉलोनियल डिसरप्शन हुआ, तो उसमें कई कई चीज़ें हुई सोसाइटी में। जो वेब था, एक इंटीग्रेटेड वेब था, लोग परस्परता में जीते थे, एक आंचलिक भावना भी थी, एक देश के प्रति एक भावना भी थी, सरोकार भी जुड़े थे, विश्व स्तर पे भी हम लोग जुड़े हुए थे, हम लोग विश्व गुरु, हम लोग सोचते थे कि भारत विश्व गुरु है जी। लेकिन वो विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, तो मतलब सफाई भी थी, सुंदरता भी थी और सोच भी एकदम उच्च सोच थी। तो हम लोग, कोई टेलीस्कोप नहीं था लेकिन पंचांग भी वही कैलकुलेशन कर रहे थे जो आर्किमिडीज ने और जो गैलीलियो ने किया। तो एक एक सभ्यता है ये, तो इसको एक सभ्यता के दृष्टिकोण से देखें। और सभ्यता में कहीं पे कुछ रप्चर्स हुए, जैसे टैंक्स हैं, कई टंके बने। बुंदेलखंड में देखेंगे तो अचरज होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में जितना ईंट लगा है, शायद उससे ज़्यादा ईंटों से टंके बने हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। नॉर्मली माना जाता है कि पानी की बहुत किल्लत है वहां पे, तो बुंदेल चंदेल कालीन में वहां पे बड़े बड़े टंके बने पानी का संचय करने, तालाब बावड़ियां वगैरह सब, तालाब बावड़ियां तमाम चीज। तो ब्रिटिश पीरियड के बाद तो ये डिसयूज में आ गए, लैंड ग्रैबिंग हुआ, तो ये मेरा नहीं है। तो ये जो एक फीलिंग थी कि आंचलिक जो चीजें हैं, जो सामुदायिक चीजें हैं, ये सभी की जिम्मेदारी है, समुदाय की जिम्मेदारी है। मैं समुदाय का हिस्सा हूँ, इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं समुदाय का एक अभिन्न अंग हूं। और एक मछली यदि तालाब में जो है उससे गंदगी होती है तो सारा तालाब प्रदूषित होता है। तो ये फीलिंग, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटल फीलिंग, तो सोसाइटल, आई थिंक दिस कैंपेन, ये जो कैंपेन हो रहा है, ये उस सोसाइटल फीलिंग, एक पैट्रियोटिक फीलिंग, कंट्री फीलिंग, उसको जागृत करने के लिए है कि आई एम नॉट माई सेल्फ, आई कैन नॉट ओनली बी माई सेल्फ। मैंने बहुत कुछ पाया है इस देश से, इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये ऋण मुझे उतारना है। तो जब मैं पॉलिथीन कहीं फेंकने जाऊं तब मैं सोचूं कि ये मुझे सुंदर धरती मिली और इसकी सुंदरता को मैं बढ़ाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल, ये जो बात है बहुत ही अच्छी बात चरियार साहब ने कही। देखिए, हम लोग जो हैं, ये जो गंदगी है, अगर हम ये पर्यावरण का नाश देखते हैं, ये सब हम ही ने किया है। देखिए, एक बात कही जाती थी पहले कि अच्छे अच्छे काम करते चलिए, तालाब बनाते चलिए। वो समुदाय की एक भावना थी, सबको था कि हमें मिलजुल के ये जो पानी की समस्या से लड़ना है, ये जो कूड़ा करकट खुले में शौच की आदत है, ये भी तो हम ही ने कर दी, हमें ही तो ठीक करना है। 63 करोड़ लोग अभी भी खुले में शौच जाते हैं रोज, इसको बदल देना है। ये कोई ऐसा लंबा काम नहीं है, ये तो हमें और आपको तय करना है, उसी दिन बदल जाएगा। डॉक्टर बजाज, इसमें एक बहुत बड़ी बात हमने देखी कि जो हमारा भी अनुभव रहा इस कार्यक्रम के दौरान, कि जो बात पहले भी उठी कि ये मानसिक जो है दिक्कत ज़्यादा है, हमने ऐसे लोग देखे, बहुत शानदार घर है लेकिन शौचालय नहीं है, और वो खेत तो देखे सिकुड़ते जा रहे हैं, जोत कम होती जा रही है, आबादी बढ़ रही है, तो आप उन्हें सुरक्षित तो नहीं कह सकते, तो हमें अब वो शौचालय बनाने होंगे। लेकिन ये जो मानसिकता है, क्या इतना बड़ा एक अभियान शुरू हो रहा है, सबको इसमें शामिल किया जा रहा है, वो मानसिकता बदलेगी? मुझे लगता है कि हमें, हमारी समस्या है, पर इस समस्या को जितनी है उससे बड़ा मत बनाएं जी। वो सही है कि शहरों में और शहर के आसपास के गांवों में थोड़ा ये पारस्परिकता समाप्त हुई और लगता है कि समस्या बड़ी है, हमसे समाधान नहीं होना तो हम नहीं करने वाले। अब सरकार कह रही है कि होना है समाधान तो होगा, पर इससे बाहर जहां जहां ग्राम समाज बचा हुआ है, वहां अब भी ग्रामों में गंदगी नहीं है। सिर्फ बारिश के मौसम में शायद थोड़ा हो जाता है सफाई की समस्या, पर सही सूखे समय पर जाए तो गांव सुंदर दिखता है, साफ दिखता है, और लोग अपने घर के बाहर गली की बुहारी करते हैं। उसके लिए किसी बाहर भंगी को बुलाने की आवश्यकता होती नहीं कोई उसके लिए। अधिकतर गांव भारत के, मुझे लगता है कि शायद 70% गांव तो बहुत इंटीरियर में भी चले जाओ, इंटीरियर वाले तो विशेषता अत्यंत साफ होते हैं, अत्यंत साफ होते हैं। हम वैसी, और सौंदर्य बहुत भारत के लोगों का बहुत ऊंचा है, तो समस्या है, पर सिर्फ फिर भी भारत के लोगों के सौंदर्य बोध पर, भारत के लोगों की अपने आप को साफ रखने की प्रवृत्ति पर, अपने साथ मिलजुल कर काम करने की क्षमता पर हमें विश्वास करके चलना है। डॉक्टर साहब, ये विश्वास तो हमें है, हम ये मानते हैं कि लोग बदलेंगे,
लेकिन उसके बावजूद भी आज जो आंकड़ा है वो बताता है कि 11 करोड़ 63 लाख शौचालय जो हैं वो बनने हैं। हमारे सामने इस समय देखिए एक लैंसेट पत्रिका है, और मैं अपने दर्शकों को बताऊँ एक बहुत बड़ा मेडिकल का जर्नल है, उसका एक शोध ये बताता है कि भारत के जो बच्चे हैं उनकी आंतों में इस तरीके की गड़बड़ी आ गई है कि वो पोषक तत्वों को पचा नहीं सकते, इसलिए कुपोषण बहुत है। यानी आज के समय आप अनाज दे भी दें, अन्न दे भी दें, लेकिन वो गड़बड़ी ऐसी है तो भी उनमें कुपोषण रह जाता है। ये समस्या तो हमारे सामने है ही। हम मान रहे हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं छूटी हैं, ये एक सच है। तो इसमें जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके लिए कितने प्रयास करने जरूरी हैं, हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन उसमें लोग एकजुट हो जाएं, एक ताकत के साथ खड़े हो जाएं, ये कैसे किया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ डॉक्टर चारियर और जोड़ना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया कुछ देर पहले बच्चे जो है वो ईश्वर का रूप है, और अभी बात ये भी चली कि हमारा देश जो है युवा देश है, 35 से कम उम्र के लोग हमारे यहाँ हैं और हमें भविष्य हमारा उज्जवल है। लेकिन गांधी दर्शन की जब बात होती है और जब बच्चों की बात होती है तो भविष्य को देखते हुए उसे शिक्षा से जोड़कर आपको लगता है इस प्रयास को हम और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा पाएंगे हम लोग। इसमें थोड़ा गहन अध्ययन की ज़रूरत है, बहुत सारे चिंतन करने वाले लोग हैं अपने देश में शिक्षा को लेके। आज गांधी जयंती के अवसर पे हम लोग कुछ और लोगों को का स्मरण भी करना चाहेंगे, जैसे महर्षि अरविंद हुए पौंडीचेरी में, रविंद्रनाथ टैगोर हुए शांति निकेतन में, गांधी खुद उन्होंने नई तालीम की बात की, अरविंद ने फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन की बात की, विश्व भारती शांति निकेतन में एक यूनिवर्सल एजुकेशन की बातचीत टैगोर ने की जहां आर्ट्स पे बहुत फोकस था, सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं था, तो लोग पेड़ के नीचे बैठ के कुदरत की सुंदरता में रहते थे, तो उसको तो दैट रब्स ऑफ ऑन यू, जो कुदरत की सुंदरता है आपको छूती है और आपको सुंदर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, कुदरत तो करती ही है। शिक्षा में भी हमें शायद थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, तो वहां पे शरीर श्रम पे मतलब ये एक सिर्फ टोकनिज्म नहीं बन जाए कि हम गांधी जयंती पे, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो करिकुलम में, मॉरल एजुकेशन होता था लेकिन उसको एक्सपीरियंशियल बनाया जाए कि ये सिर्फ ये कोई स्क्रिप्चर नहीं है कि हम इसको पढ़ लें, इसको हम प्रैक्टिस में उतारें। तो स्कूल से कैंपेन लें, ग्राम पंचायत इसको कैंपेन फॉर्म में लें, ये नहीं कि मुझे विज्ञान भवन में कोई पुरस्कार मिलेगा लेकिन पुरस्कार तो ये होगा कि मेरा गाँव स्वच्छ और खुशहाल होगा, यहाँ के लोग स्वस्थ होंगे, तो वो इंडिकेटर्स तो रहेंगे, तो इन इंडिकेटर्स से तो हम लड़ नहीं सकते। इन्फेंट मोर्टैलिटी इंडिकेटर है या और इंडिकेटर्स हैं, तो खुशहाली का और स्वास्थ्य का इंडिकेटर हो वही अवार्ड है, दैट इज द अवार्ड। कम्युनिटी में स्वस्थ स्वास्थ्य हो और कम्युनिटी में समृद्धि हो, एफिशिएंसी हो, प्रोडक्टिविटी हो, बच्चे स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, हम लोग हर गेम्स में और ज्यादा अवार्ड जीते। विवेकानंद फुटबॉल की बात करते थे तो हम हर क्षेत्र में हम लोग अवार्ड जीते, अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं, मेरी कॉम अवार्ड जीती है, तो इस तरह के और हजारों मेरी कॉम हमारे देश में पैदा तभी होंगे जब हम मल को ठीक से समझेंगे और सैनिटेशन को जो दर्जा देंगे, एजुकेशन में भी सैनिटेशन इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन आईआईटीज में भी खुले, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग और डैम्स बना रहे हैं हम, वाटर पावर टैप कर रहे हैं, हमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके साथ साथ आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में स्कूली शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक इसको सैनिटेशन को एक छोटा सा सब्जेक्ट बनाया जाए, एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी बनाई जाए, इनोवेशन कॉन्टेस्ट हुए जाए, तमाम सैकड़ों चीजें हो सकती जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इस पे कुछ घोषणाएं भी हो सकता है जल्दी हो। एक सवाल मैं आप दोनों के समक्ष रखना चाहूंगा कि जो अब प्रधानमंत्री जी जापान गए थे तो उन्होंने बताया कि वहाँ की जो टीचर्स हैं और बच्चे जो हैं वो शौचालय साफ करते हैं। मेरे सामने एक बच्ची ने सवाल रखा, उसने कहा कि उनके स्कूल का जो शौचालय उसमें बहुत बदबू आती है, क्या करें उसके लिए? तो मैंने कहा भाई आप ग्रुप बनाइए साफ करिए, कोई साथ ही नहीं आया उसके, तो किसी ने साफ नहीं किया। तो वो ये जो चीज़ है कि शौचालय को साफ करने में हम किसी और का इंतजार करते हैं, हम खुद उसमें आगे नहीं आते, और गांधी जी तो खुद आगे जाते थे। इस समस्या को उस बच्ची को आप क्या जवाब देंगे इस समस्या का? तो थोड़े से कुछ टूल्स हो सकते हैं, यदि हमें लगता है कि कुछ ग्लव्स की ज़रूरत है या बूट्स की ज़रूरत है या ब्रूम की ज़रूरत है या किसी केमिकल की ज़रूरत है, और यदि मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें कोई डिजीज़ ट्रांसमिशन इमीडिएटली तो नहीं हो रहा, यदि सफाई के बाद यदि हम, और ये घरों में तो करते ही हैं, कई लोग बुजुर्ग लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं या बच्चा टॉयलेट इस्तेमाल कर लेता है तो जो मल ठीक जगह पे नहीं गिरता, छोटे बच्चे होते हैं वो करते ही हैं और हम लोग करते ही सफाई तो करते ही, उसमें कोई तो ये जो एक टैबू का इशू बन गया है, तो इसको ओवरकम करने के लिए मेरे ख्याल से
कुछ यूनिफॉर्म हो सकता है, रोटेशन से ड्यूटी हो सकती है, एवरीबॉडी क्लीन्स द टॉयलेट, हर एक आदमी। उन बच्चों के माँ बाप तो नाराज हो जाएंगे कि पढ़ने भेजा था कि हमने शौचालय साफ करने भेजा था, तो सबकी मानसिकता बदलने की बात है, शिक्षा में जोड़ने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन लेकिन आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि मतलब जो दिल्ली में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सफाई बहुत जरूरी है, वो खुद उतर रहे हैं इसको, इसमें as a campaign, he is getting into this campaign. ये नहीं कि कोई मिनिस्ट्री करे, कोई डिपार्टमेंट करे, कोई एनजीओ करे, ये किसी एक यूनिट का काम नहीं है, ये हम सभी का काम है। मेरे ख्याल से इस संवाद से काफी चीजें बदलने वाली हैं, बच्चे घर जाएंगे, माँ बाप से बात करेंगे, कई चीजें चैलेंज होंगी, क्वेश्चन होंगी, पुरानी अवधारणाएं टूटेंगी, नई अवधारणाएं बनेंगी। बिल्कुल, इसी दिशा में डॉक्टर चारिया, डॉक्टर बजाज आज ये प्रयास हम कर रहे हैं गांधी जयंती पर, और शुभ दिन है, शुभ प्रयास हो रहे हैं, जरूर साकार होंगे, आशा यही है। तो गांधी जी पर आइए देखते हैं छोटी सी फिल्म। हम आज आजाद, वर्षों के दमन के बाद हमने एकजुट होकर संघर्ष किया और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस आजादी के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी। हम सब जानते हैं कि पश्चिम भारत के तटीय शहर पोरबंदर में एक ऐसी महान आत्मा का जन्म हुआ जिसने सभी भेदभाव भुलाकर हर भारतीय में ईश्वर का दर्शन किया, जिसने एकता और अखंडता के सिद्धांतों को मजबूत किया, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया और अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक अबूझ पहेली बने अहिंसा के सिद्धांत को ही आजादी का हथियार बनाया। जी हां, हम मोहनदास करमचंद गांधी की ही बात कर रहे हैं, जिन्हें सारा देश प्यार से बापू कहता है। गांधी जी ने अहिंसा, सत्य, समानता, श्रम, शाकाहार, आध्यात्म और स्वच्छता को सर्वोपरि माना और जीवन भर अपने इन आदर्शों पर ही चले। गांधी जी जब विदेश से लौटे तो उन्होंने देश की आत्मा को टटोलने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। अपने देश की दरिद्रता देखकर गांधी जी बेहद दुखी हुए। गांधी जी ने देखा कि भारतीय स्वच्छता के प्रति इतने सजग नहीं है। गांधी जी निजी स्वच्छता के साथ साथ अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखने पर काफी जोर दिया करते थे। सन 1919 में गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका में लिखा था, कोई भी सड़क पर न थूके और ना नाक सिनके। कई मामलों में तो थूक काफी नुकसानदायक होता है क्योंकि उसमें रोगाणु होते हैं जिससे अन्य लोगों को टीबी जैसे रोग भी हो सकते हैं। कई देशों में सड़क पर थूकना अपराध माना जाता है। थूक, कफ आदि को मिट्टी से ढकना चाहिए। गांधी जी के ये विचार मानव की बेहतरी के लिए ही हैं। हम अपनी साफ सफाई के लिए तो जागरूक रहें ही, साथ साथ अपने आसपास को भी साफ सुथरा रखें। गांधी जी जो भी कहते थे उसे अपने जीवन में भी उतार लेते थे। उन्होंने भारत में खुले में शौच की समस्या को भी समझा था और लोगों को भी समझाने के प्रयास किए थे। नवजीवन में लिखे 1925 के लेख में गांधी जी ने लिखा था, मैंने 35 साल पहले ही ये जान लिया था कि घर का शौचालय भी घर की बैठक की तरह ही सुंदर होना चाहिए। ये मैंने पश्चिमी देशों से सीखा, हालांकि उनके इस कायदे में भी कई खामियां हैं, लेकिन उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। हमारे कई रोगों का कारण हमारे शौचालयों की स्थिति और हमारी अपने मल को कभी भी और कहीं भी फेंकने की आदत है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह बेहद आवश्यक है कि शौच जाने की जगह भी बिल्कुल साफ हो और उस समय उपयोग आने वाली वस्तुएं भी साफ हों। मैंने अपने को इस बात के अनुरूप ढाल लिया है और मैं चाहता हूं कि अन्य सभी लोग भी ऐसा ही करें। यह स्वच्छता की आदत मुझमें ऐसी समा गई है कि मैं अब अपने को बदलना भी चाहूं तो भी ये संभव नहीं है और मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं। गांधी जी ने मल त्याग को नैसर्गिक प्रक्रिया कहते हुए लोगों को इसके उचित निपटारे के लिए प्रेरित भी किया था। आजादी की लड़ाई में वो लंबी यात्राओं पर रहे, कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपने संकल्प को कभी डिगने नहीं दिया।
अपने आश्रम में गांधी। तो गांधी जी से जुड़ी इस फिल्म में हमने देखा कि स्वच्छता की जब बात आती है तो आदतों में उसे शुमार करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अब जो साफ सफाई से रहने की मेरी आदत हो गई है, मैं उसे बदल नहीं सकता। इसी बात को अगर दूसरे पहलू से देखें तो जिन लोगों को गंदगी में रहने की या गंदे तरीके से रहने की आदत हो गई है, उन्हें हमें बदलना है। इसी के लिए हमने आज का दिन ये चुना है, गांधी जयंती का, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है। ये शुभ रहे इसका आरंभ और ये अंत तक यूं ही चलता रहे, गति पाए, साकार हो, यही हमारी दुआ है, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। डॉक्टर बजाज, आपसे हम ये समझना चाहें अगर अब कि युवाओं की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि इग्नोरेंस नहीं है लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। जो कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि सामाजिक प्रतिबद्धता या जवाबदेही जिसे हम कहते हैं वो शायद नहीं है, तो हमें लगता है हम जहाँ चाहे, आज़ाद मुल्क में हैं तो हम जहाँ चाहे जैसा चाहे जो कर सकते हैं। ये जो समझ का जो हेर फेर है, वहाँ जो प्रतिबद्धता की ज़रूरत है, वो कैसे आएगी? महात्मा गांधी का तो तरीका सीधा था जो आपको गलत लग रहा है वो आप ठीक करना शुरू कर दीजिए, वो बात बात में करेंगे, पहले करके दिखा देते हैं। वो जब आते हैं 1915 में, आखिरी बार जब अंततः आते हैं भारत में 1915 में, तो शांतिनिकेतन जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गुरुकुल कांगड़ी जाते हैं, और हर जगह वो बहुत दुखी हैं गंदगी से। और उस समय कुंभ वहाँ हरिद्वार में, उनके साथ फिनिक्स से 40-50 लोगों का वहाँ फिनिक्स आश्रम की एक टुकड़ी आई थी, तो उस पूरी टुकड़ी को कुंभ में सफाई के काम में लगा देते हैं, पिट लैटिन्स खुदवाते हैं, वो सारा दिन उनका यही काम है कि मिट्टी डालना और मैला उठा के, और फिर वो लिखते हैं कि मैं तो जब भारत आया और शांतिनिकेतन से मुझे ये लग रहा है, शांतिनिकेतन जाने के बाद से, कि हमारे फिनिक्स वालों का लोगों का काम तो भारत में आकर भंगी का काम ही होने वाला है और वो हम करेंगे। तो एक तो ये होता है कि जैसे महात्मा जी कहते हैं लग जाए, दूसरा महात्मा गांधी, ये जो आपने क्लिप दिखाई, ही इज ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस जी, एंड वो 1892 से तो लगता है कि इज कंप्लीटली ऑब्सेस्ड, कि इसमें तो कहीं भी इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। और वैसा ऑब्सेशन कुछ लोगों में आ जाए, पूरे देश में आना चाहिए वैसा ऑब्सेशन कि क्लीनलीनेस इज प्राइमरी एक्टिविटी, वो इस आंदोलन से वो हम करने लगे, उसके लगना पड़ेगा। एक मैं सलाह दे सकता हूँ, हमारे यहाँ NSS का कॉलेजों में जी बहुत बड़ा प्रसार है, उसके लिए व्यवस्था भी है, हर जगह NSS का एक यूनिट है, और महात्मा गांधी जी की जयंती के स्वामी उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, स्वामी जयंती के उपलक्ष्य में ही किया गया था शुरू। मुझे लगता है कि अगले 5 साल के लिए सब NSS यूनिट्स का एक ही काम कर दिया जाए कि आपके परिसर की और आपके आसपास के गाँव की, गाँव है या मोहल्ला है, उसकी सफाई का काम इस NSS यूनिट का है, उसको उसकी उसके लिए उत्तरदायित्व हो, जैसे आप जवाबदेही हो, वो तो जाके देखा जा सकता है आपने वो किया या नहीं किया, वो नित्य प्रति का काम हो, और NSS यूनिट और कोई काम ना करें अगले 5 साल, यही काम करें, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है इन यूनिट्स में भारत के युवाओं की। जी, ये जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम समितियां हैं, मोहल्ला सभाएं हैं, ये सब ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। देखिए, एक बात गांधी जी ने कही कि थूक और कफ हो उसको भी ढक दें। क्यों ढकना है? देखिए, हमें लगता है कि जी वहाँ जाके शौच करे आए, मल अपने से दूर रख दिया, वो वहीं सीमित हो जाएगा। ये जो मक्खियाँ अपने 6 पैरों पे लेके आती हैं ना, वो सारे जो आपके जीवाणु हैं उन सबको, जो भी विषाणु हैं उन सबको वापस ले आती हैं, तो इसलिए ये कहीं रुकेगा नहीं, पूरे देश में फैल रहा है। अब यहीं पर ये सवाल ये आता है कि लोग ये तो समझ रहे हैं कि नुकसान तो है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, इसलिए 2 लाख करोड़ तक खर्च करने की बात है अगले 5 साल में। आपको लगता है कि राशि जो है वो पर्याप्त है? और दूसरा, कौन कौन से ऐसे मॉडल हो सकते हैं जो गांव स्तर पे बहुत ही, जो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें और शौचालय का काम भी हो जाए? तो कहीं पर तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरीन है, एक परिवार पे एक शौचालय, कई लोग वो तैयार हो जाते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए। कई जगह पर लैंडलेस लोग हैं, अपना अपनी ज़मीन नहीं है, ज़मीन थोड़ा सीमित है, तो वहाँ पर सामुदायिक फैसिलिटीज़ ग्राम पंचायत क्रिएट कर सकती हैं, स्कूलों में फैसिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, और हो सकता है कि ये स्कूलों में, स्कूल यदि घर से दूर नहीं हो तो, यदि इंडिपेंडेंट फैसिलिटी नहीं क्रिएट हो पा रही है तो भी वो दिन में सवेरे अवेलेबल हों लोगों के लिए। पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, विजिबल हों, ये अभी अभी एस्पिरेशनल और एस्थेटिक सॉल्यूशंस चाहिए सैनिटेशन में। सैनिटेशन ऐसा नहीं हो कि कोई एक
मायूस डब्बा या खोखा बना दिया गया जिसमें कि महिला भी डरती है अंदर जाने से, ऐसा नहीं हो, ऐसा लगे कि ये एक सुरक्षित स्थान है, एक सुंदर स्थान है, एक साफ स्थान है और एक उपयुक्त स्थान है जहां मैं मल मूत्र को डिस्पोज करूं। ये कल्चर में हमारे आए, एक डायलॉग में आए, ये रोजमर्रा के डिस्कशन में आए, स्कूल में हफ्ते में एक बार कम से कम इसके बारे में चर्चा हो, कॉलेज में चर्चा हो। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन प्लानिंग करने वाले, टाउन प्लानिंग करने वाले, बड़े बड़े शहर दिल्ली के आसपास 4 नए शहर हो गए हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, इस तरह के गुड़गांव हो गया है। तो यहाँ पर क्या हमने जब नए ये फैसिलिटीज़ प्लान किए तब हमने आम आदमी के बारे में सोचा कि उसके परिवहन के बारे में सोचा, उसके शौच के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में सोचा? शायद हमने इतना नहीं सोचा, शायद हमने हाईवे तो बना दिए, उसके हाईवे के ऊपर ढाबा भी चाहिए, ढाबा के साथ टॉयलेट भी चाहिए। महिलाएं दिन में निकलती हैं, कई लोग पानी तक नहीं पीते, ये नवरात्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 महीने की बात कर रहा हूँ, पानी तक नहीं पीते कि उनको लगता है कि यदि पानी पी लूंगी या नाश्ता कर लूंगी तो शायद। जी डॉक्टर चारिया, आपको बीच में रोकेंगे, माफी चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारे सामने जो तस्वीरें आ रही हैं, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वाल्मीकि बस्ती में पहुंच चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में कि आज यहाँ वो सफाई का जो अभियान है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी हम देख सकते हैं, साथ में सतीश उपाध्याय जी भी नजर आ रहे हैं। ये वाकई अपने आप में बहुत सुखद है कि वाल्मीकि बस्ती से जो है इस सफाई अभियान की, स्वच्छ भारत मिशन की जो है शुरुआत हो रही है। और एक जो हमारी आज़ादी का जो केंद्र बिंदु बन चुका था कि इस मौके पर यहाँ पर आज से ये जो शुरुआत हो रही है इसका ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों महत्व हैं। इसको हम इस बात से ना ही रखें कि जी अमृत, इसको सिर्फ सिंबल से नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से युवा भारत का जो जिक्र किया है और कहा है कि हमारे जो जो जनसंख्या है उसका 65% भाग 35 साल से नीचे का है और वो जानते हैं कि युवाओं का, बच्चों का किसी भी योगदान, किसी भी अभियान में क्या योगदान हो सकता है। और अमृत, अब हम इस समय जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और स्वामी मंदिर के जो मुख्य सेवादार हैं संत कृष्ण शाह विद्यार्थी उनके साथ हैं और वो इस समय मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं और अब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर अब महर्षि वाल्मीकि का के दर्शन करेंगे और उसके बाद जो बापू कुटीर है उसमें जाएंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाल्मीकि मंदिर प्रांगण के अंदर पहुंच चुके हैं। जैसा कि अमृत हम बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ जो उनकी अभी जो बातचीत हुई है वो निश्चित तौर से सभी बच्चों को प्रेरित करती है कि प्रधानमंत्री ने अपने अभियान की शुरुआत में बच्चों को शामिल किया है और बच्चों के पास एक सोच होती है, एक विचार होता है और उसको जब वो समाहित कर लेते हैं अपने अंदर, वो विचार जब आगे बल्कि समाज का हिस्सा बनता है, उसी से किसी भी जो जो अभियान की जो बदलाव की बात की जा सकती है उसको सफल बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन है वो इस सांकेतिक के साथ साथ इसका एक अलग महत्व है क्योंकि इसमें प्रेरणा कहीं ना कहीं छिपी हुई है। अमृत, जब वो गए थे तो उन्होंने मंदिर के बाहर जब देखी थी गंदगी तो अंदाज़ा लगाइए तकरीबन 100 साल पहले, 2 साल कम कर लीजिए, तो उन्होंने तब ये कहा था कि हमारे मंदिरों में इतनी गंदगी है, ये देख के बहुत दुख होता है। अफसोस और विडंबना ये है कि आज 100 वर्ष होने को आए, आज हमें उन्हीं के जन्म दिवस पर, उन्हीं की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन को शुरू करना पड़ रहा है जो कि पहले भी अभियान चलता रहा है। तो ये क्या कहें, हम भारतवासियों की सोच नहीं बदली है, हमारी आदतें नहीं बदली हैं और अब क्या करने की जरूरत है, हमें सजग होना होगा इस बारे में। उस समय तपस्या गांधी जी ने ये सवाल भी उठाया था कि क्या अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे मंदिर साफ हो जाएंगे, जी देश जो है स्वच्छ हो जाएगा।
ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? तो तपस्या ने जो बात कही उसको जरा समझिए कि हम आज तक उसी गंदगी में उलझे पड़े हैं, उससे निकलना तो हमें हो गई। आपको डॉक्टर बजाज, इसमें जैसे गांधी जी के इतनी बातें हैं, उन्होंने इतना कुछ कहा है, मेरे ख्याल से आज का समय ये भी है कि वो सब बातें हम याद भी करें, और आज तो हमें उन बातों को याद करके अपने मन में बिठा लेना। कुछ ऐसी बात जो उन्होंने मेरे ख्याल से BHU में कही थी, वो सब कैसे हमसे आज भी जुड़ी हैं? ये जो महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में गए, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मंदिर तो बहुत स्वच्छ है, बहुत खुला स्थान है। महात्मा गांधी ने BHU में बात की थी, उससे पहले विश्वनाथ मंदिर गए थे जी। और बहुत मन से गए थे विश्वनाथ मंदिर जी। और इतने दुखी होते हैं वहाँ पहुँच कर, वो बता रहे हैं कि गलियाँ संकरी हैं, फिसलन है गलियों में, मंदिर के अंदर जाते हैं तो सड़े गले फूल पड़े हैं। और ये संयोग है कि आज मंदिर के ही दृश्य हम देख रहे हैं जहां मोदी जी पहुंचे हुए हैं। आइए डॉक्टर साहब वहीं से सीधे सुनते हैं कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पर भी देखी गई है। अब इसमें अगर हम, जैसे कि आपने कहा कि मैला ढोने की जो प्रथा है, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि क्या हम मैला ढोने वालों के लिए कोई विकल्प तैयार कर सकते हैं, क्या उनके लिए कोई रोज़गार अलग से बता सकते हैं, तभी तो वो दूसरे उस कार्य को, जो काम है पुराना, जो गंदा काम है, उसको रोक पाएंगे। क्योंकि जो जीवन जीने की जो जीविका का जो साधन है, वो कहीं ना कहीं अगर इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है तो उसको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह से तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय महर्षि वाल्मीकि मंदिर में हैं, वाल्मीकि बस्ती में वो आज पहुंचे हैं गांधी जयंती के अवसर पर। जो लक्ष्य उनका है 2019 तक, गांधी जी की 150वीं जयंती तक उसे हासिल करना है, यानी भारत को स्वच्छ बनाने का जो मिशन जिसकी शुरुआत आज हो रही है, इसे आंदोलन का रूप देना है और सभी जनमानस की भागीदारी को हमें यहाँ पर जोड़ना होगा, तभी ये सपना साकार होगा। और ये सच है अपने आप में कि स्वच्छता के बिना स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं है। जब तक अपने तन और मन से हम स्वच्छ नहीं हैं, मुक्त नहीं हैं, तो फिर इन सब चीज़ों का कोई लाभ नहीं है। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं दृश्य, ये गांधी जी का कमरा है जहाँ आके वो रुकते थे और बहुत समय तक यहाँ रहे। मैं इसमें चाहूँगा डॉक्टर बजाज, आप कुछ बताएँ कि यहाँ के गांधी जी के अनुभव क्या थे और इसकी अहमियत क्या है। मैं विश्वनाथ मंदिर वाले विषय पर जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो उस दिन वो इतने व्यथित होते हैं उस शाम, तो अगले दिन सुबह वो BHU का उद्घाटन दिवस है, वहाँ पर वो बिफर पड़ते हैं जी। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ गांधी जी जो है इधर रुका करते थे, और पूरी उसी तरीके से जिस कमरे को जैसा तब रहा था और वैसा ही अब रखा गया है। डॉक्टर बजाज, इसमें आप देखिए कि महर्षि वाल्मीकि मंदिर जो है, वहीं पर गांधी जी भी रुकते थे, हमेशा यहीं पर वो रहे, और यहाँ से इन्होंने बहुत सी जो लोगों को एकजुट करना है, खासतौर से स्वच्छता के बारे में, एक अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट था उसको ख़त्म करने में कितनी बड़ी भूमिका रही है इस जगह की। आज लगता है यहाँ पर अभी भी गांधी जी हैं और उनका आभास जो है ये चित्र हमें दे रहा है। और आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं पूरा उसको देख रहे हैं कि कितना साधारण जीवन, एक कोई ऐसी सुविधाएं यहाँ पर आप उस तरीके से नहीं देख सकते जिसके आज हम आदि हो गए, और तब इतनी बड़ी बात उस समय हो गई थी, उस पर आप क्या सोचते हैं? महात्मा गांधी ने तो निर्णय किया था कि मैं दिल्ली आऊँगा तो यही रुकूंगा, वाल्मीकि बस्ती में ही रहूँगा, क्योंकि वो अछूत
वो तो समझते थे कि अस्पृश्यता हमारे सिर पर कलंक है, जैसा अस्वच्छता है वैसा अस्पृश्यता है, और अगर अस्पृश्यता रहनी है तो हम सब अस्पृश्य होके रहेंगे। इसलिए उन्हें कभी झाड़ू उठा लेने में, वाल्मीकि बस्ती में रहने में, मल स्वयं साफ करने में कभी कोई कभी। और ये भी कहा जाता है डॉक्टर बजाज कि हमें किसी व्यक्ति की सोच, उसकी मानसिकता को अगर समझना है डॉक्टर चारियार, तो उसमें उसका रहन सहन बहुत मायने रखता है कि उसका अपना आचरण कैसा है, वो किस तरह से रहता है। तो जिस तरह से श्री मोदी इस समय इस कमरे में मौजूद हैं वाल्मीकि बस्ती के, जहाँ पर महात्मा गांधी रहा करते थे, तो ये उस समय उनका रहन सहन, जो स्वच्छता की बात वो करते रहे, क्या उनकी सोच रही होगी, किस तरह के प्रयास वो करना चाह रहे थे, तो उसका एक छटा उसकी हम देख सकते हैं, झलक एक वानगी उसकी यहाँ समझ में आती है। और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, गांधी जी से सबकी तस्वीरें यहाँ लगी हैं। तो एक इससे ये भी पता लगता है कि हमारे उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे वो सब भी यहीं आके उनसे मिलते थे, उनके अंदर भी जो झिझक थी, कहीं ना कहीं दम रहा होगा, वो सब यहाँ खत्म हो जाता है। और एक अच्छी बात ये कि आज जो अक्टूबर के दिन उमूमन हमारे यहाँ छुट्टी का दिन माना जाता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की ये जो सोच है उसके चलते ये किया जा रहा है कि सरकारी विभागों में कर्मचारी जो हैं वो भी आज के दिन आ रही हैं और सफाई में योगदान कर रहे हैं। निरंजन संस्थाओं में तो पहले से ये था कि दो अक्टूबर छुट्टी नहीं मनानी है। क्या बात है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठ के या सूत काटना है, गाँव में जाना है जी। प्रधानमंत्री जी की आप गंभीरता देखिए, कितने उन्होंने पूरा कहते बारीकी से हर चीज़ को देखा समझा है, और मुझे लगता है कि इस कमरे से बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी अपने साथ लेके जाएंगे, और ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कमरा मेरे ख्याल से बहुत से दिल्ली वासियों ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन अब ये सबके लिए ये कमरा है जहाँ से बहुत प्रेरणा मिली। अनुराग, सिर्फ कमरा ही नहीं, अगर इस बस्ती की बात करें तो आज का दिन अगर प्रधानमंत्री ने यहाँ से शुरुआत की बात सोची है तो ज़रूर इसमें दूरदर्शिता है। जो कुछ देर पहले बात हो रही थी अस्पृश्यता की, जाति विशेष को लेकर जो हमारी सोच है उसको लेकर, तो ये यही बात, यही संदेश वो देना चाह रहे हैं कि हमें इस सोच से बाहर आना है कि ये जाति विशेष है या कोई अस्पृश्यता की बात है, ऐसा नहीं है। यहीं से शुरुआत का मतलब यही है कि सब जनमानस साथ चलें, ये जो सोच है इसको बदलें, बराबरी से चलें, और कोई ये ना कहे कि ये काम मेरा नहीं है। साफ सफाई स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है, इसे हमें समझना होगा। और इसमें जात पात की ये जो जंजीरें हैं ये तोड़नी पड़ेंगी, बहुत पहले टूट जानी चाहिए थी। गांधी जी ने भी शुरुआत की और आज बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही शुरुआत कर रहे हैं। आज पूरा देश मिलके आगे बढ़ रहा है, हम विकास की ओर जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें हम नाम जानते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ से किस जात के हैं। इसमें कोई अर्थ नहीं रह गया जात का, सब मिलके कोई बड़ी कंपनियाँ चला रहा है, कोई बड़े ओहदे पे है, सारा देश एकजुट है। ये छोटी सी चीज़ जो है हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा नहीं कि एक सांकेतिक ही कोई चीज़ है, ये तो वाकई में अब दिल में ढाल लेनी बात है कि भाई ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी रुके थे, अब देखिए मोदी जी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और पूरे परिसर का वो पूरे इत्मीनान से मुआयना कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं किस तरह से गांधी जी उस समय यहाँ पर जब भी आकर यहाँ ठहरते थे, रहते थे, तो क्या वो सोचते होंगे सफाई को लेकर, किस तरह लोगों को आह्वान करते होंगे, अपने संबोधन में कहते होंगे। लाजमी है कि इस समय मोदी जी के जहन में भी यही सब चल रहा होगा। मुझे लगता है कि उनका संबोधन शायद इधर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों से ज़रूर बात करना चाहेंगे, और देखिए यहाँ पर भजन के लिए भी लोग बैठे हैं, और ये जो है वहाँ पर श्रद्धांजलि सुमन उनको अर्पित कर रहे हैं। बहुत आज गांधी जी हमारे लिए हालांकि हमेशा से प्रासंगिक थे, तब भी थे और अब भी हैं, लेकिन आज हम शायद उनकी बातों को गहराई से समझ पा रहे हैं। मोदी जी का ये जो प्रयास है कि जहाँ सारी दूरियाँ मिट रही हैं, समाज के बीच में जो भेद है वो खत्म हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी एक पहल है, और यहाँ सब लोग उनके साथ हैं। मोदी जी ने अपना श्रद्धा सुमन जो है गांधी जी को अर्पित किए, और अब मेरे ख्याल से वापस जो है मोदी जी जा रहे हैं। और एक पक्ष यहाँ देखने वाला और है कि जो आम जनमानस, पूरे देशवासी जो इस बात को समझ रहे हैं कि आज गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन का जो शुभारंभ किया जा रहा है, तो हमें गांधी जी को फिर से जानना होगा, फिर से समझना होगा, गांधी दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को, उनको हमें फिर से दोबारा से पढ़ने की, समझने की, जानने की आवश्यकता है, ताकि फिर हमें 100 साल ना लगे ये जो मिशन है इसको हासिल करने में, बल्कि जो लक्ष्य रखा गया है 2019 तक का, तब तक इसको हम निश्चित रूप से जी हासिल कर सकें। बिल्कुल हासिल कर पाएंगे, और देखिए मुझे तो लगता है जिस तरीके से मोदी जी का प्रण है, पूरे देश ने आज संकल्प ले लिया है, और ये जो संकल्प है ये मुझे नहीं लगता कि 2019 जो हमें एक चुनौती लग रही थी
देश तय कर लेगा तो ये तो कुछ ही महीनों या साल में ख़त्म हो जाएगा, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। और देखिए यहाँ सब लोग जो है मोदी जी से मिलने आए हैं, और प्रधानमंत्री जी एक आम नागरिक की तरह आम जनता जो है उससे मिल रहे हैं और सबसे अपनी बातें भी बांट रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग वही हैं जो लोग नियमित तौर पर इस आश्रम में, अब तो सच कहें तो ये आश्रम ही है, गांधी जी यहाँ रहते थे एक, बिल्कुल यहाँ पर आते रहे हैं और अपनी बातें प्रधानमंत्री जी से बांट रहे हैं। और इसमें चार्य साहब आपको क्या लगता है कि ये जो छोटी सी बहस हम जो कर रहे हैं, एक चर्चा कर रहे हैं और यहाँ मोदी जी से सब मिल रहे हैं, ये जो दूरियाँ ख़त्म होने का काम है, ये कितना आपको लगता है सार्थक काम? गांधी जी हमेशा लोगों के बीच ही हुआ करते थे, मेरे ख्याल से उसी तरह का एक लहर आज शायद देश में बह रहा है जी, कि जिसमें जो एक जनता और प्रतिनिधि के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो रही, और जो जनता के मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, स्वास्थ्य एक मुद्दा है, स्वच्छता एक मुद्दा है, और इन मुद्दों को सेंटर स्टेज पे लाया जा रहा है। और ऊर्जा तो जन जन से ही आएगा, जन आंदोलन से ही इसके लिए ऊर्जा आना है, और जन पीपल्स पार्टिसिपेशन के बगैर, पीपल्स प्रोसेस के बगैर ये संभव नहीं होगा। तो मोदी जी ने इसको पीपल्स कोर्ट में रखा है, इस इशू इन्होंने ये इशू अपने कोर्ट में नहीं रखा जी। और डॉक्टर शहरयार, ये बात और इसमें देखने की है, डॉक्टर बजाज यहाँ थोड़ा सा अगर आपसे हम पूछना चाहें कि विकास की बात नरेंद्र मोदी जी हमेशा से करते आए हैं, जब भी कोई बात चलती है उनका लक्ष्य एक ही होता है कि विकास हमें भारत का करना है, और विकास तभी संभव है जब हमारे यहाँ स्वच्छता होगी, क्योंकि वो सेहत से जुड़ती है और उससे ही हमारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है। ये जो प्रयास जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर उनके साथ चल रहे हैं, तो लोगों को वो ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि आप लोग साथ हैं तभी ये प्रयास कहीं गति पाएगा, कहीं पहुँचेगा। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? महात्मा गांधी ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया है, ये अस्पृश्यता की आज हम बात करते हैं, पर जैसी अस्पृश्यता उन्होंने देखी थी, बोले इतने लोगों का इस बस्ती में आना महात्मा गांधी नहीं हुए होते तो संभव नहीं था। इतना सहजता से लोग वहां पहुंच गए, ये उनके बिना संभव नहीं था, और बहुत हद तक अस्पृश्यता हमारे मन से चली गई है। इतना महात्मा उन्होंने किया है, अब अस्वच्छता भी चली जाए तो और हो जाएगा जी। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की, साफ सफाई की, तो मोदी जी अब जो अगली चीज हम देखने वाले हैं, बात जिसकी बार बार हो रही थी कि आज गांधी जयंती के दिन ही इस मिशन की शुरुआत तो हो ही रही है, वो स्वयं झाड़ू लगाकर, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं 2 अक्टूबर के दिन खुद झाड़ू लगाऊंगा ताकि आप लोग इसको टैबू ना माने और आप लोग इसमें बल्कि फख्र महसूस करें कि हमें अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है, साफ करना है, तो उसके लिए हम सबको ही लोहा लेना होगा, मोर्चा लेना होगा, और तभी ये मशाल जो है आगे पहुंचेगी। तो नरेंद्र मोदी जी, ये जो चीज़ है, सच में कहें आज एक देश का नया इतिहास लिखा जा रहा है, जैसा कि हमने पहले कहा कि एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का इतिहास, मोदी जी जो हैं वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सफाई कर्मचारी भी है, बिल्कुल लिए हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के हाथ में पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ा दृश्य है, ऐतिहासिक दृश्य इसे हम कह सकते हैं, जिसे आने वाले जाने कितने वर्षों तक, बल्कि हम कह सकते हैं सदियों तक लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये कभी हमने देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी हैं, सारे स्वच्छता कर्मचारी जो हैं उनसे बात कर रहे हैं, और उनसे वो ये भी शायद कह रहे होंगे कि देखिए जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी मेरी भी क्या है, बात है, और सभी की है जी। अनुराग, ये देखिए दृश्य, मोदी जी इस समय स्वयं झाड़ू उठाए हुए, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू लगाते हुए, बिल्कुल ये बहुत सुंदर दृश्य, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि ये वो भारत का प्रधानमंत्री है जिसने सफाई की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है, जिसने देश को विकास की ओर ले जाने की जो बात है वो अपने हाथ में ली है, और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है जिसमें पूरा देश साथ है। और यहाँ आप देख रहे हैं इस दृश्य में कि प्रधानमंत्री जी कैसे सबके साथ मिलकर झाड़ू लगाए हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब साथ की बात होती है तो अब शायद इस दृश्य के बाद पूरे देश में किसी भारतवासी को झाड़ू उठाने में गुरेज नहीं होना चाहिए। जो बात उन्होंने कही कि एक वर्ष में कम से कम 100 घंटे हर व्यक्ति श्रम दान करे सफाई के लिए, ये जो अभियान है इस मिशन को साकार करने के लिए, तो ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करता हुआ कि कहने से काम होगा नहीं, सोचने से बात बनेगी नहीं, इसके लिए हम सबको कर्मठ होके पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करना होगा। देश के प्रधानमंत्री जब स्वयं झाड़ू उठा सकते हैं, आज के पावन दिन पर सफाई कर सकते हैं कर्मचारियों के साथ मिलकर, तो शायद अब हमको और आपको किसी भी तरह से इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कूड़ा जो है देखिए खुद प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं,
ये लोग इकट्ठा तो कर लेते हैं, उठाने में कहीं ना कहीं जो है उन्हें झिझक आती है, लेकिन यहाँ वो झिझक नहीं है। यहाँ ये कूड़ा भी उठाया जा रहा है कि ये सफाई जो है अब तो ये पूरे देश का मिशन बन गया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इस समय प्रधानमंत्री जी जो हैं सभी को धन्यवाद दे रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनको वाकई में देश को इनका ऋणी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज इस पूरे वर्ग को एक सम्मान दिया है जी। और प्रधानमंत्री जी ये भी कहते रहे अनुराग बहुत बार कि लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हैं, अब तो बाकायदा खुद झाड़ू उठाकर सफाई अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, आम जनमानस के बीच जाकर, वाल्मीकि बस्ती में जाकर आज गांधी जयंती के दिन उन्होंने ये शुभ कार्य किया है। तो अब जो सिर्फ बातें हुआ करती थी, अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम और आप ज़रूर इसमें अपनी भागीदारी को और ज़्यादा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि सब तरफ जो सफाई की कोशिश शुरू की गई है पहुँचे ना सिर्फ एक राज्य विशेष तक, पूरे भारत में क्या गाँव, क्या ज़िले, क्या राज्य, नगर, महानगर, उपनगर, जो भी आप इसे कहें, जहाँ भी भारतवासी बसता है उसे ये निर्णय करना है, ये संकल्प करना है कि मैं अपने आसपास, अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को गंदा नहीं रहने दूंगा, जितना प्रिय मुझे अपना घर है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय बच्चों से बात करते हुए, जो हमने देखा है बहुत बार कि बच्चों से वो बहुत बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही हमारे देश का भविष्य है और उनकी सोच हमें बदलनी है, उनकी आदतों को अच्छा बनाना है, यही हमारे देश का आधार है, यही हमारे देश का भविष्य भी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी बच्चों की जो टोपी सही कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो उनको एक फौजी होने का जो एहसास है वो दे रहे हैं। अगर देश की रक्षा में जवान रहता है तो ये बच्चे भी देश की सेवा करें। और देखिए पूरी, आप देखिए यहाँ कॉलोनी जो है उसके लोग हैं, कितना है लोगों में हैं, और सबसे प्रधानमंत्री जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और देखिए ये बच्चों से जो बातचीत, एक प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल एक नई परिपाटी ये शुरू कर दी है, वो रुकते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनकी बातें जानते भी हैं। चारियार साहब, ये जो बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाई, ये दृश्य को आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप कितना बड़ा इस दृश्य को मानते हैं? मेरे ख्याल से मनोबल बढ़ेगा सैनिटेशन सेक्टर में, जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, उसको एक डिग्निटी ऑफ वर्क उसका बढ़ेगा कि ये काम छोटा नहीं है, ये भी नेशन बिल्डिंग का काम है जी। जो बॉर्डर पे जो इंडियन आर्मी काम कर रही है उससे कम काम नहीं है जी। तो डॉक्टर बजाज, जैसे कि हम दृश्य जो देख रहे हैं, सही मायने में हम कह सकते हैं कि गांधी जयंती आज हमारे लिए प्रासंगिक हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज के दिन को वाकई बता दिया कि कितना महत्वपूर्ण है और आगे इस दिन को हमें किस तरह मनाना चाहिए, जिसके लिए सफाई से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता बापू को, महात्मा गांधी को अगर हमें श्रद्धांजलि देनी है तो सफाई से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। स्वच्छता जो है वो अब हम लोगों के देश के चरित्र में शामिल हो जानी चाहिए, जिसके लिए हर व्यक्ति, कोई ये ना सोचे कि मेरा योगदान कोई मायने नहीं रखता है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। यही संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी बच्चों को उनसे बात करते हुए निकल रहे हैं, और बीच बीच में जिस तरह से हम देख रहे हैं इस समय दृश्यों में, बहुत सुंदर दृश्य अपने आप में। देखिए इसमें एक बात ये भी है कि ये एक दिन तक सीमित नहीं है, अब तो ये एक अभियान शुरू हो गया। और देखिए ये साइन कर रहे हैं ऑटोग्राफ जो है बच्चों की टोपी पे। मेरे एक बच्चे को उसी वक्त शायद विचार आया, अब बहुतों की टोपियां छूट भी गई हैं, लेकिन जितने ही हो सकेंगे उनको टोपी नहीं, अनुराग ये भाव देखिए आप बच्चों का कि कुछ और उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं मोदी जी की याद उनके साथ रहे, तो वो ऑटोग्राफ के रूप में उसे टोपी उतार के भी, ये अपने आप में एक जेस्चर है कि वो चाहते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से ये उनके पास रहे सदैव। बहुत अच्छी बात अपने आप में, बहुत अच्छा प्रयास, और ये आज हर भारतवासी के लिए गौरवान्वित होने का दिन है, क्योंकि गांधी जयंती के दिन जो स्वच्छता की बात हमारे बापू हमेशा से करते रहे, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसे फिर एक नए रूप में सबके सामने रखा है, स्वच्छ भारत मिशन के रूप में। और हम क्यों नहीं आपस में मिलकर ये प्रण करें कि हम जो है इस जो भी मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयास है उसमें योगदान करेंगे, तभी सच्चे मानों में, सही मायनों में हम भारतवासी हैं, क्योंकि ये बेहद आवश्यक है कि हमें विकास की राह पे अगर आगे बढ़ना है, जो अब मोदी जी का सपना है, तो उसे साकार करने के लिए सबको अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। डॉक्टर बजाज, आपने कभी, क्योंकि आपने तो सारा इतिहास और सब चीज़ों को आप देखते रहे हैं, ऐसा दृश्य क्या देश का कोई प्रधानमंत्री कभी आपको इस तरीके दृश्य दिखा? महात्मा गांधी ने जो मार्ग प्रशस्त किया था उस पर अपने नए प्रधानमंत्री चल निकले हैं। हाँ। और हम सबको यह आशा करनी चाहिए कि महात्मा गांधी जहाँ तक भारत को ले आए थे और जहाँ वो ले जाना चाहते थे,
वहां तक हमारे नए प्रधानमंत्री हमें ले जाएंगे, हम सब उनके साथ चलेंगे, ये देश साथ चलेगा, स्वच्छ होगा, विकसित होगा, स्वस्थ होगा। बिल्कुल डॉक्टर चारिया, कुछ देर पहले जो आपसे हम बात कर रहे थे शिक्षा को लेके, बच्चों को लेके और गांधी दर्शन को, ये संयोग है अपने आप में कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बच्चों से ही इस समय बात कर रहे हैं और अपने ऑटोग्राफ्स उन्हें दे रहे हैं ताकि आज के दिन की महत्ता को बच्चे समझें। और जो जी, जी। देखिए मोदी जी जो हैं ये बच्चों ने बिल्कुल घेर लिया है, उनको आगे बढ़ने का जो मौका है वो कम ही दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो रही है तो सब भाई ऑटोग्राफ तो लेंगे ही। और बहुत अच्छी बात यह है कि इन बच्चों के मन में देखिए ये जीवन भर की एक स्मृति हो गई, उनको हमेशा ये याद रहेगा कि भाई किस तरीके से जो है हमसे प्रधानमंत्री। और ना सिर्फ बच्चे, हम देख रहे हैं कि अब तो बड़े लोग जो है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति के मन में एक बच्चा होता है, जब प्रधानमंत्री मोदी सामने आए तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए, उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कितने लोग हैं जो उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं और प्रयास कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ देखिए कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की नज़रों से कोई बच्चा या कोई बच रहा हो, वो सबको कोशिश कर रहे हैं जितनों को अपने उसमें समेट सकें वो बढ़िया रहेगा। देखिए ये एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जो ये जो दृश्य भी जा रहे हैं, बहुत से ऐसे अभी भी बच्चे हैं जो ये काम तो कर रहे हैं कहीं छूट गए, लेकिन अब मैं यही सोचता हूँ कि कोई छूटा नहीं है, सब साथ हैं। यहाँ एक भी बच्चा जो खड़ा है वो हमारा ही प्रतिनिधि है, हमें ही वो वहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ हम ही खड़े हैं, वो बच्चा हमारे को ही लेके वहाँ पहुँचा है और ये बात जो है आगे जो है पूरी चलेगी, हमेशा चलती रहेगी। और यही बच्चे हैं जो गांधी जी के सपने की बात हो या श्री मोदी के सपने की बात हो उसे आगे लेकर जाएंगे। इन्हीं बच्चों के हाथ में मशाल हमें अब देनी है ताकि ये जो लक्ष्य है वो भी हासिल हो और भारत का जो भविष्य है वो भी उज्ज्वल हो, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि भारत को जो हमें विश्व के मानस पटल पे सबसे ऊपर लाना है, शक्तिशाली बनाना है, सशक्त बनाना है, वो तभी संभव है जब हम आधारभूत जो चीज़ें हैं हमारी वहाँ से शुरुआत करें, जिसमें स्वच्छता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार फिर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बच्चों को उनकी जो टोपियाँ हैं, जो कैप्स हैं, उन्हीं पर ऑटोग्राफ देते हुए। ये बड़ा रोचक दृश्य अपने आप में जिसे हम निहार रहे हैं सभी लोग। और देखिए इसमें हर बच्चा जो है वो आगे बढ़ के रोक रहा है, तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बच्चों के आगे जो है सभी व्यवस्थाएं जो हैं सुरक्षा की वो ध्वस्त हो चुकी हैं। और ये ज़रूरी भी था मेरे ख्याल से, बच्चों को तो कोई अपने प्रधानमंत्री से मिलने से नहीं रोक सकता। दिल्ली से बाहर के बच्चे जो ये दृश्य देख रहे हैं वो अपने को वंचित महसूस न करें। हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो इस वर्ष वो दिल्ली में करते हैं, राजधानी में करते हैं, अगले वर्ष वो अन्य राजधानियों में, अन्य नगरों में करेंगे, वहाँ भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उन बच्चों के साथ भी उनका मिलना होगा। ये बहुत अच्छी बात, और सभी बच्चों को अभी से तय कर लेना चाहिए कि जरूर मिलने पहुंचना है और ये ऑटोग्राफ भी लेने हैं। नहीं, डॉक्टर बजाज ने जो बात कही बहुत अच्छी है अपने आप में। और ये प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते आ रहे हैं कि दिल्ली तक सीमित नहीं रहना है, गुजरात तक सीमित नहीं रहना है, सभी राज्यों को हमें जोड़ना है, तभी समग्र विकास जो है वो संभव है। और बच्चों की बात होती है, आम जनमानस की बात होती है, उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये दृश्य भी इसी बात को कहीं ना कहीं और मुखर रूप से रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये वो मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पर कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे थे और आशीर्वाद लिया था उन्होंने यहाँ पर आकर कि ये जो मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं आज गांधी जयंती के दिन वो साकार हो। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ हम देख पा रहे हैं वो लौटते हुए, यहाँ पर जो है शौचालय का एक उद्घाटन होना है, एक सामूहिक शौचालय का, सार्वजनिक शौचालय की जो हम बात करते हैं। ये सार्वजनिक शौचालय को लेकर हमारे यहाँ लोगों के मन में कई तरीके की भ्रांतियाँ भी हैं, कोई सफाई को लेकर त्रस्त है, कोई सोचता है कि ये तो भाई हमारा काम ही नहीं है। ये भी एक अपने में एक बहुत बड़ा एक संकेत है जो इस ओर इशारा कर रहा है कि जहाँ पर ये संभव नहीं है कि प्रत्येक घर में शौचालय हो, वहाँ ये जो सार्वजनिक शौचालय इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसमें बहुत ही अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी भी भारत से ही ली गई है। आप देखिए कि ये शौचालय का उद्घाटन हो रहा है और ये रिबन कटिंग की जो सेरेमनी है, और ये देखिए उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं कि किस तरीके का ये शौचालय है जो तैयार हुआ है। सामूहिक शौचालयों की जब हम बात करते हैं तो स्वच्छता से जब जोड़ते हैं उसको, तो वो बेहद जरूरी है क्योंकि इनकी उपलब्धता से ही साफ सफाई में मदद मिल सकती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है।
दिल्ली जैसे शहरों में तो ज़रूरत है ही, पेरी अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, स्कूल्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा। लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि सैनिटेशन के एब्सेंस में बहुत नुकसान हो रहा है, $50 बिलियन ये एस्टिमेट होता है कि जी ये प्रधानमंत्री जी जो हैं आ रहे हैं। ये जो शौचालय है ये भी अपने में देखिए एक पूरी भारतीय टेक्नोलॉजी, DRDO जो है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है, उसकी टेक्नोलॉजी है ये, बायो टॉयलेट पे पूरी तरह विकसित है, जिसके लिए आप देखिए पानी की भी कम से कम आवश्यकता होती है। और जो मल के निपटारे की हम बात करते हैं, जो जितनी भी गंदगी उसके निपटारे की बात करते हैं, इसमें अपने आप ही हो जाता है। तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी जो है विदा ले रहे हैं सबसे, बिल्कुल। और ये आज के दिन एक जी तो ये मोदी जी की तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वो पूरा ये कार्यक्रम उन्होंने इतने अच्छे से आज वाकई सब दर्शकों ने देखा, वहाँ जो लोग उपस्थित थे उन्होंने देखा कि एक मिशन की शुरुआत इससे अच्छी हो नहीं सकती थी। तो प्रधानमंत्री ने ये एक कोशिश, एक पहल आज शुरू की है, एक अभियान है, बल्कि इसको आंदोलन कहना ज़्यादा बेहतर होगा, कि जिसे हमें, क्योंकि जब आज़ादी की बात हुई थी उस समय भी जनमानस की भागीदारी से ही हमें स्वाधीनता मिली थी, सबने क्रांतिकारी रूप में जिसे दिखाया था कि हमें आज़ादी चाहिए। स्वच्छता के लिए भी अब हमें इसी तरह का जज्बा चाहिए कि हमें स्वच्छता चाहिए, तभी यह संभव होगा। और जहाँ तक वर्षों की बात है, अब हमें समय का इंतज़ार नहीं करना है कि डेडलाइन हमारी कब तक की है, अब तो हमें ये साबित करना है, ये स्थापित करना है कि हम अगर ठान लें तो समय से बहुत पहले, समय को पछाड़ते हुए हम चीज़ों को, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोले नहीं है, भाषण नहीं दिया, करके दिखाया है। जी, और वही हमें सीखना चाहिए कि हमें बात तो होती रहेगी पर हमें करके दिखाना है कि भारत और अगले 5 सालों में स्वच्छ। अभी आप थोड़ी देर पहले जो मंगल ग्रह के हम हमारा उपग्रह जो चक्कर लगा रहा है, वो टेक्नोलॉजी भी देखिए भारतीयों ने बनाई, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये जो शौचालय है, इसके अंदर जो जीवाणु हैं जो पूरे मल का निपटारा करते हैं, वो भी भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई थी। तो हम तो यहाँ से लेके यहाँ तक हैं। तो मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी चैरियर साहब बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसमें किसी भी तरीके का जो है कोई गंदगी नहीं होती, पानी भी बिल्कुल साफ होके जो है वो आता है। और जो कहते हैं ना कि लोगों को तो बहुत दिक्कत है इसको छूने में, और उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो बैक्टीरिया ऐसे हैं, हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं जो बिल्कुल उसको पचा देते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी DRDO ने डेवलप की है, बहुत बड़ी टीम है। स्वच्छता के विषय में बात करना नहीं भूलते हैं, यानी ये उनके मन के बहुत करीब है स्वच्छता की जब बात आती है। कल वहाँ से लौटे हैं, वहाँ भी उन्होंने अलग अलग मंचों से इस विषय को उठाया, और आज फिर कल लौटे हैं और आज इस विषय पर ये एक कोशिश शुरू हुई। तो ये देखना अपने आप में वाकई बहुत सुखद है। इन प्रधानमंत्री ने तो स्वच्छता को मिशन बना लिया है। और जहां तक जी, तो अब हम लोग जी डॉक्टर बजाज यहां आपको रोकना होगा माफी के साथ, क्योंकि अब हम इंडिया गेट की तरफ चल रहे हैं, वहां हमारे जो सहयोगी हैं अनूप खजूरिया जी मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, यहाँ इंडिया गेट के लॉन्च में सबका स्वागत है, और स्वागत है हमारे बहुत सारे दर्शकों का भी, और यहाँ पर उपस्थित लोगों में उत्सव का सा माहौल है, क्योंकि सभी को इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो यहाँ पधारने वाले हैं। यहाँ 5,000 के लगभग स्कूली बच्चे जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित, इसके अलावा 20 से लेकर के 25,000 तक के लोग जो हैं वो यहाँ इंडिया गेट लॉन्च में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं। लोगों का आना जो है वो लगातार जारी, वाल्मीकि कॉलोनी से प्रधानमंत्री चल पड़े हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो शुभारंभ करेंगे स्वच्छ भारत मिशन का, और साथ ही साथ में हरी झंडी दिखाएंगे वो स्कूली बच्चों और बहुत सारे लोगों जो वाकथान में हिस्सा ले रहे हैं, पद यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच हमारे पास मौका है आयोजकों से बात करने का, क्योंकि सबसे जो अटकल लगाई जा रही है, क्या नरेंद्र मोदी भी साथ में चलेंगे, क्या वो भी पद यात्रा में शामिल होंगे? निधि, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा आपको कि ये जो पद यात्रा है जो यहाँ से शुरू होगी वो कहाँ जाएगी, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं? लगभग 5,000 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 2,000 बच्चे कॉलेजेस के भी यहाँ पे आ गए हैं, और हम होप कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे चलेंगे एंड इस वॉकथॉन की शोभा और बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी आयोजकों में से हमारे साथ एक है, सर आपसे जानना चाहेंगे। वी हैव डिप्लॉयड क्लोज टू 250 साई पर्सनल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वॉकथन,
and we have done all the drills to the last minutest detail so that everything is done in perfect manner. And हमारे डीजी साहब हैं, he will be briefing you. Sir, boys and girls to participate in this because we have to spread this message of Swachcha Bharat into every nook and corner of this country, and that is what we want to do. And this is going to be, you know, a massive campaign, and we are so happy that we are. पार्टी टू ऑल दिस. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का. जैसा कि हम सब लोग बता चुके हैं आपको कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहां इंडिया गेट लॉन्च में से वो शुभारंभ करेंगे स्वच्छ भारत मिशन का, और साथ ही साथ में हरी झंडी दिखाएंगे वो वाकथान पद यात्रा के लिए. आगे की आंखों देखे हाल के लिए मैं हैंड ओवर करता हूँ अपने साथी कमेंटेटर गोरा लाल को. Good morning and greetings from Rajpath, New Delhi, from where in a short while from now, Prime Minister Narendra Modi, whose cleanliness drive has echoed through Red Fort and the corridors of the United Nations General Assembly, will launch the Swachh Bharat campaign from the Boat Club area on Rajpath. Today is the 2nd of October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, and the launch of this campaign today has a lot of significance, as the father of the nation placed a very high value on cleanliness at a personal and also at an environmental level. A road walkathon will also be flagged off by the Prime Minister today, and many people will be taking part in the launch today. They include more than 5,000 school children, college and university students, government officials, diplomats and corporate house representatives. The Prime Minister will also administer a cleanliness pledge to the children and the others, and will also take part in the walkathon. Rashtrapita Mahatma Gandhi ke janm divas ke avsar par aitihasik Rajpath se Swachh Bharat abhiyan ka aaj shubharambh ho raha hai. बापू ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो न केवल आजाद हो बल्कि स्वच्छ और विकसित भी हो. स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, यही है आज के पवित्र दिन की प्रतिबद्धता, और आज के दिन का संकल्प है सारे देश में जन आंदोलन बनेगा स्वच्छ भारत अभियान. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन. The Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी arrives. Welcomed here, very warmly received, and today is a wonderful October morning, a mild sun